हाँ जी इंटर के होनहार स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग जैसा मैंने लास्ट वीडियो में अनाउंसमेंट किया था कि आपके लिए सी इंटर नवंबर 23 के लिए फ्री लेक्चर्स एप्लीकेशन पे अपलोडेड है वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं ठीक है फ्री बोला था मैंने तो कुछ स्टूडेंट ने बोला सर वहाँ पे एक रुपया शो हो रहा है वन रुपीज़ देखो वो एप्लीकेशन के नॉर्म्स थे ठीक है एक रुपया शो हो रहा है तो आप पे कर दो नहीं भी पे करो तो उसके लिए मैंने एक अल्टरनेटिव निकाला है मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ ठीक है आपको एप्लीकेशन में जाना है आप सी इंटर का कोर्स सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है एक तो मैंने यहाँ पे कूपन लगा दिया जो एक रुपया है वो भी आपका ऑफ होके गया जीरो रुपया शो हो रहा है दूसरा मैंने यहाँ पे व्यू ऑल फ्री कंटेंट पर इस पे आप क्लिक करोगे आपको सारे फ्री कंटेंट मिल जाएंगे या आप कंटेंट में आओगे तो आपको सारा लेक्चर ओपन मिलेगा डाउनलोड नहीं कर सकते हो, आप ऐप पे देख सकते हो तो सर देखो दो, दो चीज है जैसे मैंने बताया था यूट्यूब पे एक लेक्चर अपलोड होना स्टार्ट होंगे एक दो दिन के अंदर ठीक है तो वो डेली बेसिस पे अपलोड होंगे बट किसी को इंस्टेंटली क्लासेस देखना है हर दिन दो तीन क्लासेस देखना है तो आप एप्लीकेशन पे जस्ट जो एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वो डाउनलोड करके आप वहाँ पे क्लासेस कंप्लीट कर सकते हो कंपनी लॉ फुल अपडेट है वहाँ पे ठीक है अमेंडमेंट जो होंगे वो मैं लास्ट में कवर कर दूंगा आ,

जो इंटरमीडिएट के हैं ठीक है हॉलीडी रजिस्टर स्टूडेंट ठीक थे तो वो अभी एप्लीकेशन पे जस्ट जाके डाउनलोड करो एंड वहाँ से देखना स्टार्ट करो एंड शेयर विथ तो फ्रेंड देखो जो चीज़ मिल रहा है देखो बहुत सोच समझने के बाद बहुत आ, मीटिंग करने मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को लॉ लेक्चर फ्री देना चाहिए एंड मैं सच बताता हूँ रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा था

कर सकते हो सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के चांसेस है वो भी मैं अभी लॉन्च करूंगा उसका प्राइस नाइन होने वाला है पर सब्जेक्ट का तो उसको डाउनलोड करके आप अपना आउट कर सकते हो अदरवाइज हार्ड कॉपी भी मिलेगा तो आप ऑर्डर करके हार्ड कॉपी भी कर सकते हो एंड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो एंड वो क्वेश्चन क्लियर करो एग्जाम से पहले मैं गारंटी बोल सकता हूँ फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन तो वहीं से लगने वाले ठीक है तो जो एग्जामिशन एंड पासिंग है आपको बन जाएगा वहां से तो अभी तक तो आप जाओ लॉ का लेक्चर्स देखो आराम से एंड सारे लेक्चर्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे यूट्यूब पे वेट करो एक एक करके अपलोड होगा इस बेटर की, आप जाओ, application में बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन ले लिया एप्लीकेशन पे जाके ठीक है तो आप क्यों वेट कर रहे हो तो गो एंड वॉच दिस वीडियो एंड प्लीज डू शेयर लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कि कैसा लगा आपको लेक्चर वहां भी बता दो चैट बॉक्स में यहां भी बता दो पांच छह लेक्चर देखने के बाद चलो ऑल द बेस्ट हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग मैं आईपीसीसी पी के लेक्चर स्टार्ट करने हुआ से लॉ की सबसे पहले मैं खुद को अपना इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आई एम सी एस आई एम में आई एम जस्ट क्वालीफाइड चारउंड एग्जाम फाइनल एग्जामिशन ठीक है मैं एट असम सिक्स हंड्रेड सेवन स्टूडेंट की बैच ले रहा हूँ फाइनल की ठीक है फाइनल की मैं बैच ऑन टाइम चल रहा हूँ सर आप क्यों आप क्यों पढ़ाओगे यहाँ पे सर मेन आप आप ही क्यों पढ़ाओगे लॉ आप बेस्ट क्यों या कुछ भी क्यों हो आपके यहाँ ठीक है सर ये बात है यहाँ पे कि आगे आपके जितने डाउट्स होंगे ना आपके जितने डाउट्स होंगे एट जिस टाइम पे भी डाउट्स आएंगे ना आपके आई एम अवेलेबल फॉर यू ठीक है जो डाउट्स होंगे जितने डाउट्स होंगे मैं फिर अवेलेबल हूँ अभी फाइनल्स ट्वेल्व मैं चला रहा हूँ अब बैच यूट्यूब के अब लेक्चर देख लेना ऑलरेडी मेरी फोर्टी फोर्टी फाइव क्लासेस अपलोडेड है फाइनल्स की आई मैंने पढ़ाया था एक साल पहले स्टार्ट किया था आई पीसी के लेक्चर्स ठीक है बट उस फील्ड में भी आया नहीं हूँ स्टार्ट किया था यूट्यूब से स्टार्ट किया था बट उसको पॉज कर दिया थोड़े दिन के लिए बट फाइनल्स मैंने पूरा स्टार्ट किया हुआ ठीक है तो स्टार्ट सबसे मैं में सिलेबस को इंट्रोड्यूस करूंगा सबसे पहले ठीक है

कंपनी लो कंपनी लो अच्छे से पढ़ा है किसी किसने मैंने सिलेबस देखा है कंपनी तो है सर सिलेबस में फाउंडेशन के सिलेबस में ठीक है चलो कोई नहीं चलो अभी सिलेबस को जान लेते हैं धीरे 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 एक एक सिलेबस उठाएंगे चैप्टर वाइज उठाएंगे स्टार्टिंग से स्टार्ट एक एक चैप्टर को टाइम देंगे प्रॉपर टाइम देंगे एक एक चैप्टर को जो जो नंबर का वेटेज होगा पहले हम वेटेज लिख लेते बेटे किस चैप्टर से कितने नंबर का वेटेज आने वाले एग्जामिनेशन में आपके जो डाउट्स होंगे आप मेरे से कॉन्टेक्ट करना जो, जितने भी डाउट्स होंगे सर मेन फोकस क्या रखना है आईपीसीसी में मेन फोकस दिक्कत क्या आता है ना देखो बताता बता ये है आईपीसीसी ठीक है आईपीसीसी में क्या इशू आता है आईपीसी में।, में क्या इशू आता है कि हमारा ये सब मान लो कि आप एक जंगल में गए हो और जंगल में आपको पता है सामने से जानवर कौन सा आने वाला है तो यहाँ पे मेन प्रिपरेशन स्ट्रेटी स्टडी मैट अगर स्टडी मैट मिस किए ना आप अपने भैया से पूछो कि सर लॉ में 40 45 नहीं आते 40 45 भी आते हैं या तो कोई पास भी नहीं कर पाता है दिक्कत क्या होता है वो इतने मटेरियल पे भिड़ जाते हैं ना कभी इसके नोट्स कभी इसके नोट्स कभी इसके नोट्स मैं तो बोलूंगा यार थ्योरी पेपर, पेपर, पेपर के लिए ना थ्योरी पेपर के लिए मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ मैंने एक बार खत्म किया है सारा सी कोर्स थ्योरी पेपर के लिए इतना स्टडी मैट सबसे बेस्ट है अगर स्टडी मैट से मजाक करोगे तो स्टडीमेट आपके साथ मजाक कर देगा क्योंकि आईसीए को पता है ना वो अपने कपड़े से जाएगा नहीं प्रैक्टिकल में वो गेम खेलेगा आपके साथ थोड़ा वो एडिशनल कुछ क्वेश्चंस बना के देगा आपके साथ में पर्सनल एक्सपीरियस प्रैक्टिकल में गेम खेलेगा वो आपके साथ बट थ्योरी में आपका आपने स्टडी मैट पूरा अच्छे से किया है ना और स्टडी मैट क्या आप ध्यान देते हो स्टडी मैट के हर चैप्टर के बीच में कुछ एग्जाम्पल होते हैं और वो एग्जाम्पल्स ही उठ के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो आगे जाके हो जाते हैं टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन तो इस एग्जाम्पल्स को आपको ध्यान देना है बीच बीच में और मैं क्या कराऊंगा मेरा फोकस क्या है मैं लिख के पढ़ाता हूँ आराम से क्योंकि हमारा मानना है ना कि अगर लॉ को आप एक बैक रीडिंग माने लगोगे ना तो आपके यहाँ पे दिमाग लगेगा आपके दिमाग से निकल जाएगा तुरंत तो थोड़ा लिख के पॉज करके आप खुद सोचोगे जब लिखोगे ना आप तो खुद उस चीज को सोचोगे अच्छा ये ये ऐसा चल रहा है अगर मैं खाऊ यहाँ पीडीएफ खोलू मैं रीडिंग लगाना है, तो चालू कर दू आपके साथ तो आप भी सोचोगे यार आप ठीक है दस मिनट का आप समझ जाओगे कोई कॉन्सेप्ट को बट दस मिनट बाद क्या करोगे भूल जाओगे इस कॉन्सेप्ट को जब लिखोगे खुद सोचोगे समझोगे फिर मेरे से पूछोगे तो ज्यादा ईजी हो जाएगा अब फिर क्या होगा एक एक क्वेश्चन करने के बाद हम क्या करेंगे कंसेप्ट चेक करेंगे कुछ क्वेश्चन एक्जाम्पल्स मैं उठा लूंगा जैसे मैंने आज गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा तो गवर्नमेंट कंपनी मैंने कुछ उठा लिया उस एग्जाम्पल्स करने के बाद क्या होगा एक कंसेप्ट चेक हमारा होते जाएगा कि हाँ हमने गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा इसकी ये होती है इसके नीचे क्या क्या एग्जाम्पल्स लिया और एग्जाम्पल्स कंप्लीट करते करते हमारा कंसेप्ट चेक हो गया और इससे फायदा भी क्या हुआ हमने स्टडी मैट के इलस्ट्रेशन को बीच में उठा लिया उस एग्जाम्पल्स में मैं क्या करूंगा स्टडी मैट के जो इलोस्ट्रेशन होंगे ना उसको उठाते चलूंगा इससे क्या होगा ना हमारा एक तो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे सारे कंसेप्ट कवर हो जाएगा सारा हमारा और कॉन्फिडेंस आता है क्वेश्चन करने के बाद ना कॉन्फिडेंस आता है क्या एग्जाम में न्यू क्वेश्चन या कुछ भी क्वेश्चन देखोगे ना दिक्कत क्या होता है क्वेश्चन हमें आता है हमें लिखना नहीं स्टार्ट आता है कि लिखे कहाँ से मेन स्टार्ट कहाँ से करो आई मेन तो स्टार्ट हमारा आईपीसीसी पी है फाउंडेशन में जो पढ़ा पहले तो सीपीटी टी का चलो तो, तो और लगते थे थोड़ा मैं मानता हूँ टेन परसेंट लगता फाउंडेशन में आपने अच्छी खासी मेहनत की होगी बट ठीक है इसको और हम इनहांस करेंगे थोड़ा सा कंपनी लॉ बहुत अच्छा चीज है और क्या करोगे सर इसमें आप मैं थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर दूंगा मैं दस में बता रहा हूं इंट्रोडक्शन बोर्ड मत होना क्या दिक्कत होता है देखो जब आप आर्टिकल में जाते हो ना तो सामने वाले से क्या होता है ना वो चाहता है ना कि आपको सब आता है वो उसको उसको लगता है ना कि आप यार पीएचडी करके आए हो कंपनी लॉ में आपको बोलेगा आर की वेबसाइट खोलो और ये फाइल करके दिखाओ आप तो भाई कंपनी लॉ का थ्योरी पढ़ के आए हो अब थ्योरी को कैसे प्रैक्टिकल करोगे ये इंपॉर्टेंट जानना होता है तो मैं एक एक चीज प्रैक्टिकल बताऊंगा जैसे चार्ज क्या होता है अब किसी कंपनी को लोन लेना होता है एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चैप्टर कोई लिख के बताऊंगा किस कंपनी में क्या क्या होता है ठीक है चार्ज क्या होता है अगर किसी कंपनी को लोन चाहिए तो लोन चाहिए वो अपने एसेट को गिरवी रखता है तो उसकी कैसे फाइलिंग होती है क्या क्या फॉर्म होते हैं उसको एम की वेबसाइट पर जाना कैसे कैसे देखना उसको फा, फाइल करना तो, तो इतना तो मैं सिखा दूंगा कि आप आर्टिकल से डेज में भी जाओगे ना तो कम से कम उसको फील कर पाओगे मैंने स्टार्टिंग टेन डेज ई एंड वाई e से किया था बट मैंने उसको ड्रॉप किया क्योंकि मैं पढ़ाई पे फोकस मैं थोड़ा बिलो एवर स्टूडेंट था तो फिर मैंने मीडियो कर फॉर्म आया मैंने अपने तीन साल मीडियो कर वहाँ की हाँ स्टार्टिंग डेज में यही दिखा आता है कि प्रिंसिपल आपको आएगा बोलेगा भाई ये लो आर ओ सीब साइट जाओ और फाइलिंग करना स्टार्ट कर दो आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा तो थोड़ा मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिकल कैसे जाना होता है आराम से क्लासेस स्टार्ट करेंगे चैप्टर वेटेज देख लेंगे क्या क्या और याद रखना लॉ में यही मजा है ना कि हर चैप्टर का वेटेज है पहले ओल्ड सिलेबस में क्या होता था, था ना बोलता था भाई मीटिंग पढ़ लो बीस नंबर मीटिंग आएगा ऐसा नहीं है अब न्यू सिलेबस में क्या हुआ है कि हर चैप्टर से आपको वेटेज मांगता है वो एस एफ एम अभी आगे फाइनल पढ़ोगे फाइनल की बातें मैं नहीं करूंगा बट न्यू सिलेबस में क्या कि आपको बोलेगा प्रीलिमिनटी पढ़ के मत जाना डिफिनीशन पढ़ के मत जाना और आप जाके प्रीवियस चार टाइम में क्वेश्चन खोल लेना पहला क्वेश्चन डिफिनीशन से आता है कि व्हाट इज स्मॉल कंपनी मेरे टाइम में स्मॉल कंपनी आया वा हुआ था वाट इज ओपीसी पी व्हाट इज प्राइवेट लिमिट कंपनी उसका तीन पार्ट देगा ए बी सी और आप उसको टैकल कर पाओगे वो बच्चे बोलेंगे डिफिनेशन पढ़ के मत जाना और हर आप स्टडी मेट करना स्टडी मेटी मेट हो गई नहीं हो पता नहीं हर एग्जाम्पल्स हर डिफिनेशन नीचे ना उसने एक एग्जाम्पल दे रखा है सेम एग्जाम्पल वो अपने क्लास में है ना एग्जाम में पूछता है वो सेम एग्जाम्पल तो आपको मैं क्या बोल रहा बोलना मैं गो थ्रू करा दूंगा एग्जाम्पल साहब करा दूंगा हर कंसेप्ट चेक करूंगा कि हाँ एक एग्जाम्पल दूंगा आप लोग से पूछूंगा भी कॉर्डिनेट करूंगा जो इशू होगा बताना अपने डाउट के लिए अलग से मैं नंबर दे दूंगा और आप जिस टाइम पूछना डाउट पूछ लेना आप फाइनल पे रिव्यू देख लेना जो देखना हो देख लेना मैं डाउट के लिए टाइम अवेलेबल रहता हूँ आप आराम से रिव्यू देखो कम्युनिटी सेक्शन में खोल रखा है सारे कमेंट्स आते रहते हैं मैं डाउट के कभी नहीं बोलता हूं अभी भी डाउट लेते हुए तो डाउट अगर नहीं आएगा तो मैं आपको टाइम देकर बताऊंगा लेकिन आपको मैं डाउट क्लियर करके जाऊंगा यहाँ पे ठीक है चलो पहले सिलेबस को इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ठीक है हमारा सिलेबस थोड़ी राइटिंग खराब है बट नोट्स मैं प्रॉपर दूंगा सर ने आपको नोट्स दिखाए होंगे सर मेरे दिखाए नोट्स में प्रॉपर दूंगा देखो होता क्या है ना आपको एक पीडीएफ कॉपी दे दूं और आपको हैंड रिटेन नोट्स दे दूं दिक्कत क्या था कि पीडीएफ कॉपी पढ़ने में थोड़ा मैं दिमाग को जोड़ देना पड़ता है कि भाई इसको दिमाग में लगाना है बट हैंड रिटन नोट्स में क्या होता है ना आपको लगता है कि अपनी फील आता है कि हाँ अपने हैंड से लिखा है आप खुद से उसको बना के हैंड रिटन नोट्स बना लो एग्जाम के लिए एक प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स बनाना देखो एक चीज और बताता हूँ हमारी सारी स्ट्रैटी इतने दिन की होनी चाहिए वो सारा मिथ है सारा मिथ है कि आप चालीस दिन पचास दिन की क्लासेस कर रहे हो अगर इस डेढ़ दिन में कुछ याद नहीं हुआ ना तो एग्जाम में आप ब्लैंक हो जाओगे बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे तो याद रखना आज से याद रखना कि सारी स्ट्रैटी हमारी वन पॉइंट फाइव डेज की होनी चाहिए सर ये कैसे होगी एक दिन में आ जाएगा नहीं कभी जब क्लास खत्म होंगे पहला डिविजन ट्वेंटी डेज फिर डिजन टेन डेज फिर ऐसा टाइम आ जाएगा ना क्या आप फाइव डेज फिर लास्ट में वन पॉइंट फाइव डे इतना करना पड़ेगा हाँ इंटरमीडिएट कोर्स मांगता है फाउंडेशन नहीं है अब फाइनल के लिए प्रिपेयर करना तो इतना करना करना पड़ेगा वन खत्म है रैंक लाना है देखो सिर्फ सोचना रैंक ही है निकले ना निकले रैंक पंद्रह दिन पास हो जाओगे ठीक है समझ गए तो स्ट्रेटेजी आज से ना वन पॉइंट फाइव डेज ही करना सिलेबस इंटरमीडिएट में इतना बता देता हूँ स्टडी मैट आपके लिए सब कुछ है स्टडी मैट पढ़ लो अगर जिसने भी अपने बुक में स्टडी मैट कवर किया हुआ है काफी है ठीक है चलो वो सब बातें बात सिलेबस को को तो इंट्रोड्यूस करते हैं थोड़ा चैप्टर मैं, मैं सबसे बताता हूँ कि हमें पढ़ना क्या क्या ठीक है एक सीक्वेंस पता चल जाए कि हमें किस चैप्टर में क्या क्या बातें होगी मैं फाइनल क्वेश्चन स्टार्ट करता था एक आइडिया हो जाए कि हमें क्या क्या इस कंपनी एक्ट में पढ़ना है किस किस चीज के बारे में बातें करेंगे तो एक ओवरव्यू लेते हैं कि कंपनी एक्ट है क्या इसमें मेन कंपनी एक्ट हमारा अभ्यास चालू होगा ठीक है चलो स्टार्ट करता हूं। चलो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस कॉर्पोरेट तो समझ आया हमें ये कंपनी लॉ होता है अदर लॉस क्या होता है अर लॉस कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे लॉ पड़ेंगे इसमें बेलमेंट uh, है act, है एजेंसी एक्ट है निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट है जनरल क्लॉज एक्ट है इंटरप्रिटेशन है एव आई ने बहुत गेम खेला जनरल क्लॉज एक्ट और इंटरप्रिटेशन एक्ट ऐसा है जो फाइनल्स में थे उसको उठा के इंटरमीडिएट में डाल दिया अब प्रेशर तुम्हें और दे दिया देती नंबर बारह से तेरह नंबर का वहां से भी आता है तो ये हार्ड चैप्टर नहीं है इंटरप्रिटेशन क्या होता है किसी लॉ को पढ़ना किसी लॉ को जानना ठीक है तो अदर लॉ में यही सब मिलेगा आपको निगोशियेबल मिलेगा जनरल क्लॉज बैक मिलेगा इंटरप्रिटेशन uh, मिलेगा तो इसको अनाम्स देंगे सारा फोकस हमारा मेनली फोकस अभी होना चाहिए कॉर्पोरेट पर प्रैक्टिकल के लिए भी याद रखना कॉर्पोरेट सबसे इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन के लिए भी सर कितने नंबर का आता है सर ये सिक्सटी मार्क्स तक आता है कॉर्पोरेट लॉ आपके एग्जामेशन को अकेला ये कवर करता है कॉर्पोरेट लॉ और बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत इंटरेस्टिंग है मतलब ये कहने के लिए थ्योरी है ये सब बता रहा हूँ लॉ कहने की थ्योरी है लेकिन लॉ जितना प्रैक्टिकल है ना लॉ उतना मजा किसी में नहीं आने वाला है मतलब मैं कंप्लायंस ऑडिट करने जाता था ऑडिट पे तो मैं को एक एक पॉइंट पता थे हाँ भाई नोटिस कितने दिन में गया चेक करता था नोटिस की मीटिंग कितने दिन में एजीएम कंडक्ट कराया कि नहीं कराया सामने वाले ने चार्ज किया कि नहीं किया अब एमसीए वेबसाइट पे मैं जाके दिखाऊंगा आपको अगर चल गया तो एमसीए वेबसाइट पर जाकर दिखाऊंगा कि कैसे हम किसी कंपनी का किसी कंपनी का सारा चित्र पत्र खोल सकते हो कि कंपनी में कितनी शेयर होल्डर्स है ऑथराइज शेयर कैपिटल कितने है कंपनी के लास्ट एजीएम कब हुई एक बार तो मैं बैठा हुआ था सही ऑडिट पर हुआ था उसी कंपनी ने उसने पूछा कि मेन डायरेक्टर ने कि लास्ट एजीएम कब हुई अब उसे एजीएम में ही पता तो लास्ट किसी एजीएम कैसे पता लगाएंगे तो सीएमसीए की साइट पे ना सब कुछ मिलता है कंपनी का आप एमसीए साइट पे जाओगे ना उसके 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 लास्ट एजीएम कब हुई कितने कितने चार्ज हुए शेयर बेटा डिविडेंड कितना दिया सब मिलेगा एमसीए साइट पे तो एक अच्छा खासा नॉलेज आपके लिए आर्टिकलशिप के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाओगे प्रैक्टिकल रिट हो जाओगे अच्छा खासा तुम्हें एक्सपोजर मिल जाएगा चलो ठीक है सर कंपनी आता है सिक्सटी मार्क्स का ठीक है सिक्सटी मार्क्स का पूरा कंपनी आता है एक ही करके हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं सबसे पहला आएगा ठीक है सब प्रमरी क्या होता है इसमें इसमें सिंपल सी बात है दो चीज पढ़ेंगे इसमें सबसे बात है जब किसी बुक खोलते हो तो बुक का टाइटल होता है किसी के बुक का टाइटल टाइटल मतलब क्या हुआ उसका नाम क्या हुआ वो वो बुक कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है वो लॉ कहां कहाँ एप्लीकेबल है उसमें बारे में पढ़ेंगे हम ठीक है प्रीमरी यही होता है कि कौन कौन सी एक्ट इसके अंदर आने वाली है कौन कौन सा सेक्शन इसके अंदर है तो प्रेमरी जैसे शॉर्ट टाइटल जैसे किसी का बुक का होता है जैसे स्टडी मैट है तो स्टडी मैटर इसका प्रिमरी हो गया स्टडी मैट ऑफ लॉ हो गया कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ प्रमरी हो गया तो प्रीमरी कुछ नहीं बताता ये सेक्शन वन है ठीक है इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंट आते हैं डिफिनीशन ठीक है डिफिनेशन सारे सेक्शन टू में कवर है सेक्शन टू अब बताओ इसको कैसे पढ़ोगे

ओपीसी का क्वेश्चन आ चुका है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्वेश्चन आ चुका है तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा इसी पे होता है चार से पाँच नंबर क्वेश्चन आ जाता है और आ जाता है मैंने गलती किया था चलो कोई बात नहीं आप गलती मत करना और अब एक चीज़ बताता हूँ ये जो है ना टू ट्वेंटी टू लिखा हुआ है टू ट्वेंटी थ्री लिखा हुआ है मेरी गलती क्या हुई थी मैं वक्सा शेयर करता हूँ नया नया कंपनी पढ़ रहा था मैं अभी मेरे को ये पता नहीं था ना कि एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है जैसे मान लो कि मैंने लिखा शेयर कैपिटल ठीक है अब मैंने लिखा स्मॉल कंपनी

अब मैं भाई पक्का लगा भगवान को याद कर रहा हूँ भाई शेयर कैपिटल स्मॉल कंपनी मेरे को ये पता ही नहीं था कि ऐसा होता है ये सारा अब मैं सोच रहा हूँ मैं सोचा कि चलो ठीक है स्मॉल कंपनी क्वेश्चन आया था मैं मैं ये अठारह क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ यही हुआ था मेरे साथ जीरो नंबर दे दिया मेरे को एग्जाम मैंने पूरा काट लिया अंदर सब लिखा अच्छे से लेकिन मैंने कोट कर दिया गलत मैंने टू एटी कर दिया जबकि शायद टू एटी का स्मॉल कंपनी का एच के बाद एम आता है

ए, इतना तो कम से कम समझ लेना कि कभी भी इसमें डिफिनेशन खट होगा डिफिनेशन बहुत आएंगे गवर्नमेंट कंपनी का आएगा कंपनी आएगा तो एक ट्रिक होता है कि हाँ अभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए एक आसपास होल्डिंग अभी एक 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 सब देखेंगे ठीक है? तो मैं पांच छह क्लास आपको दो क्लास तो बेसिक दूंगा एक आइडिया हो जाए कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है चलो इंपॉर्टेंट इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कंपनी बनती कैसे है ठीक है अब कंपनी बनने के प्रोसेस को थोड़ा शॉर्ट किया गया स्पाइस फॉर्म आ गया है कंपनी बनाने जाओगे स्पाइस फॉर्म आएगा अब कंपनी में ये बनती कैसी है तो ठीक है अगर आपसे कोई प्रैक्टिकल पूछ दे कि मेरे को है ना प्राइवेट कंपनी बनानी है अब प्राइवेट कंपनी बनानी आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर्स मिनिमम कितने होते हैं तो यहाँ पे सब कुछ पड़ेंगे अब डायरेक्टर का पार्ट आपका फाइनल में है डायरेक्टर यहाँ पर अपनी पूछेगा तो एक प्रैक्टिकल सोचो कि आपसे कोई आदमी आप आया कि मान लो कोई क्लाइंट आया कि uh, मेरे को ना एक कंपनी इंकॉपरेट करनी है तो कैसे होगा तो यहाँ पे ना स्पाइस फॉर्म आने लगा पहले बहुत लंबा प्रोसेस था अब स्पाइस फॉर्म से करके हम कंपनी इनकॉपरेट कर सकते हैं अंदर क्या होता है वो सारी डिटेल्स मांगता है कि अपने मेंबर्स डालो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम टू मेंबर्स होते हैं तो एक एक क्या होता है यहाँ पे हम इनकॉपेशन पढ़ेंगे कंपनी कैसे कैसे, कैसे इनकॉपरेट आराम से पढ़ेंगे चैप्टर थोड़ा है बड़ा इनकॉपरेशन चैप्टर है बड़ा इसके अंदर कन्वर्जन होता है प्राइवेट से पब्लिक हो गया तो क्या करना पड़ेगा ये सारा है तो एक ओवरव्यू लेते चल रहे हम ठीक है चलो रुक जाओ सर एक मार्क्स भी बताते चलो ठीक है प्रीलिमरी एग्जाम में आता है कम से कम थ्री मार्क्स का चैप्टर के लेता है कितना दिन हाफ वन एंड हाफ डेज अगर वन एंड हाफ डेज सबको थ्री मार्क्स जाता है तो कभी भी ये मत सोचना कि नंबर के लिए पेपर अब ए कैटेगरी तो छोड़ दो एबीसी मतलब तो अलग लगाना एबीसी का कि एबीसी कैटेगरी क्या होता है एग्जाम में कभी क्या करता है सी कैटेगरी से तीस नंबर और आप हाथ में बैठ जाओगे जुलाई के टाइम में यही किया आईसीआई ने अभी टैक्स पेपर में यही किया था इंटरमीडिएट में रुला आईसीआई ने सबको तो एबीसी कैटेगरी पर बिल्कुल मत जाना हाँ लास्ट में टाइम लैग कर रहा है टाइम कॉन्स्टेंट है तब एबीसी जाना बट ये तीन नंबर का क्वेश्चन सोचो जब तुम्हें देखेगा एग्जाम में और लॉ के पेपर में तीन से चार नंबर

क्या चलो ठीक है और सिंपल एग्जांपल समझाना चाहो तो चलो ठीक है चलो होता है ये प्रोस्पेक्टस अंदर पड़ेगे एवरेज प्रोस्पेक्टस बहुत कुछ है प्रोस्पेक्टस क्या है कंपनी को अपना शेयर इशू करना है तो लोगों के सामने एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा ना कि आइए हमारी कंपनी में क्यों पैसा लगाएंगे आप तो एक प्रोस्पेक्टस क्या होता है जैसे आप स्कूल में जाते हो ना स्कूल वाले आपको प्रोस्पेक्टस देते हैं हमारे स्कूल में हमारे रैंक होल्डर्स ये है या जो भी आप टूशन क्लास में आते हो प्रोस्पेक्टस क्या देते हैं क्या ये है हमारे रैंक होल्डर्स ये है हमारे स्कूल में इतना बिल्डिंग्स है हमारे स्कूल में ये है तो एक एक तरह लाइक है ना एक तरह से एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कंपनी एक नोटिस सर्कुलर मान लो इसके अंदर बहुत अच्छी चीजें पढ़ने को मिलेगा कि कंपनी को अभी नया नया पब्लिक में इशू पैसा करना है तो एक प्रोस्पेक्टस निकाल के इशू करेगा इसके अंदर क्या बनाएगा इसके अंदर से बताया कंपनी की हमारे कंपनी में क्यों आओ हमारी कंपनी में बस ये फैसिलिटी है हमारी कंपनी में हमारी कंपनी ये टॉप टेन है हमारी कंपनी में मुकेश अंबानी पैसा लगा रखा है तो ये सारे प्रोपेक्टस में लिख करेंगे ये कम से कम दो ढाई सौ पेजेस का होता है ठीक है अच्छा खासा पेजेस का होता है दो सौ ढाई सौ पेजे का होता है तब तो सोच सिंपल सी मैं मैं कोई बंदा आप गया किसी कंपनी में पैसा लगाने उसने मेरे को ढाई सौ पेजेस का प्रोस्पेक्टस दे दिया तो मैं क्या करूंगा उसको देख के मैं कुछ नहीं करूंगा मैं उसको फेंक दूंगा बैठ के बट उसके अंदर एक और चीज पढ़ेंगे एवरेज प्रोपेक्टस उसको कहते हैं समरी प्रोस्पेक्टस मैं बोलूँगा एक काम करो तुम ढाई सौ पेज है ना तुम इस काम करो इसमें फिफ्टीन पेजेस करो और मेरे को बताओ की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हारे में तुमने तुम्हारे कंपनी में मुकेश अंबानी ने पैसा लगाया है ना बढ़िया है तुम्हारी कंपनी में कितने चार्ज तुमने कितने लोन ले रखा है चलो ये बढ़िया है तो एक मैंने एवरेज प्रोपेक्टस अंदर एक एक डेफिनेशन है उसके एवरेज प्रोपेक्टस क्या होता है रेड हेडिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है एक एक डेफिशन के अंदर पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टस बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस के लिए भी थोड़ा तो यहाँ देखने को मिलेगा तुम्हें इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया कंपनी में बट ये प्रोस्पेक्टस आईपीसीसी के लिए कम से कम आता है फाइव मार्क्स का ठीक है तो देखो स्टार्टिंग के तीन चैप्टर आपको सेवन फिफ्टीन टू फिफ्टीन मार्क्स के में आ जाएंगे। और ये कितने दिन लगेंगे और शायद थर्टी मार्क्स एमसी है ठीक है शेयर कैपिटल एंड डेवेंचर्स ठीक है ये क्या है कंपनी इशू करती है शेयर कैपिटल डिवेंचर्स क्या होता है डिवेंचर जस्ट लाइक ए बॉन्ड लोन टाइप का होता है वो देते आराम से पढ़ेंगे इसको अभी समझाने इस, ये कितने मार्क्स का इसको अच्छे से करेंगे बता दू मजा नहीं आएगा इसमें चलो ठीक है फाइव है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एक चैप्टर मान जानो कि हमारी कंपनी में क्या है। अब बंदूक लेकर बैठ गए ऑडिट करने पहुंच गए किसी कंपनी को हमें ऑडिट में पढ़ाया जाता है कि 315 किसी कंपनी में ऑडिट भी करने जाओगे ना तो सबसे पहले पता होगा अंडरस्टैंड कंपनी को अंडरस्टैंड करो क्या रिस्क है कंपनी में क्या कंट्रोल है में। तो एक मैं बता रहा कंपनी हमारा जो सिलेबस है वो उसको करना कि हमारा क्या -क्या मांगता है हमने क्या देखा, देखा कंपनी हम बनती कैसे है बनने का प्रोपेक्टस अब कंपनी बन चुकी है अब कंपनी को क्या करना है पैसा चाहिए पब्लिक शेयर निकालना है तो प्रोस्पेक्टस प्रोपेक्टस इशू करेगी फिर कंपनी का शेयर कैपिटल अब क्या फिफ्थ नंबर कंपनी बाय कंपनीज अब देखो एक तो तरीका होता है कि प्रोस्पेक्टस निकाल के, करके, पब्लिक से पैसा लेने का। और डिपॉजिट का पैसा पब्लिक को बोल के इसमें कोई नहीं दे रहे उसको। उसको बोले कि काम कर, कर, हम कुछ इंटरेस्ट मनी देंगे और याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना हर एग्जाम में एक है, इसको फाइव मार्क्स आता है, बहुत छोटा चैप्टर है बहुत कम लिमिटेशन लिमिट इसमें ठीक है और पैसा कैसे मांगा जाता है उसमें क्या मांग रहे हम उसमें

अब कंपनी को लोन लेना अभी जैसे मैं एमसी वेबसाइट पर दिखा दूंगा खुल गया तो रिलायंस जियो ने लोन लिया था अच्छा खासा लोन लिया था अभी देखोगे सारे लोन कोरोना से पहले उसने क्लोज डाउन कर लिया अब लोन लिया तो सामने वाले बैंक क्या बनती है कि कुछ मेरे को सिक्योरिटी दो इन द टर्म्स ऑफ एसेट दो इन द टर्म्स ऑफ स्टॉक दो तो यहाँ पे क्रिएट होता है हमारा कहते हैं चार्ज चार्ज मतलब क्या हुआ आप किसी बैंक से लोन लेने जा रहे हो अब बैंक ने बोला कि मेरे को कुछ गिरवी रख के दो मतलब कुछ भी बिल्डिंग दो कुछ भी दो तो उसमें ना उस बिल्डिंग पे बनता है चार्ज क्रिएट होता है अब इस चार्ज को कंपनी क्या करती है रजिस्टर करती है चार्ज को कंपनी का ऑप्लिकेशन होता है कि जाके एमसी वेबसाइट पे एक रिटर्न फाइल करना होता है इतने डेज में होता है आपने लोन लिया तो थर्टी डेज्टीन डेज तो का प्रोविजन है यहाँ पे इतने दिन में क्या होता है जाके चार्ज को क्या रजिस्टर करना पड़ता है तो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे चार्ज कैसे चार्ज दोनों पे होता है फिक्स एसेट्स भी होता है और स्टॉक पे भी होता है स्टॉक पे क्रिएट करो फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज दोनों पड़ेंगे यहां पे फ्लोटिंग क्या होता है कि स्टॉक आज आज स्टॉक है कल जो स्टॉक फ्लक्चुएट होगा जोड़ी तो ना कंपनी में अगर बीस लाख का स्टॉक है तो बीस लाख का स्टॉक एनी टाइम रहेगा तुम तो उसमें से कुछ सेल करोगे कुछ परचेस करोगे तो एक फ्लोटिंग चार्ज भी क्रिएट होगा इसमें तो ठीक है इसके अंदर पढ़ेंगे चार्ज के आर के ये कितने नंबर का एग्जाम में आता है अप्रॉक्स कम से कम थ्री मार्क्स आता है ये भी छोटा चैप्टर है अब अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इस कंपनी से का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अब आने वाला है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर क्या होता है कंपनी को डिसीजन लेना होता है कंपनी के ओनर कौन होते हैं शेयर yeah. होल्डर्स होते हैं कंपनी को मैनेज कौन करता है डायरेक्टर्स yeah. ये क्लियर है अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना होता है इसके अंदर हमें ये पढ़ना होता है कि शेयर होल्डर्स को मीटिंग के लिए कैसे बोला है नोटिस का टाइम क्या होता है कौन कौन से रिजोल्यूशन पास होते हैं हर डिसीजन के लिए रिजोल्यूशन अलग होता है ओ आर आपको आइडिया है ओ आर का नहीं आइडिया है ना ऐसा तो उसमें होता क्या कैसे पास होता है सर कितना क्राइटेरिया चाहिए नहीं पता 75. ना चलो ठीक है सेवेंटी फाइव परसेंट सही है इसके अंदर बहुत देखो ये ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना मैं बोलूंगा प्रैक्टिकल चैप्टर इंपॉर्टेंट है मतलब सिंपल सी बात है आपको एक कुछ मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट आया फिफ्टी फिफ्टी करोड़ कॉन्ट्रैक्ट आया और आपको अपने शेयर होल्डर से पहले डिसीजन लेना क्योंकि आप अंधाधुन कोई कंपनी को भले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करती है बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास इतना पावर नहीं होता है कि वो कुछ भी डिसीजन ले लें अपने ओनर से कभी कभी पूछना होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तो यहाँ पे एक प्रॉपर मीटिंग होती है मीटिंग दो टाइप की होती है अभी प्रॉपर पढ़ेंगे मीटिंग कितने टाइप की होती है कितने रिजोल्यूशन होते हैं एक एक डेफिनेशन को देखेंगे ठीक है चलो इसमें ये एग्जाम में कितने मार्क्स आएगा ये कम से कम नाइन मार्क्स आता है और हर एग्जाम में इसके दो क्वेश्चंस रहेंगे रहेंगे मैनेजमेंट के कभी नोटिस पूछ देगा आपसे कभी रेजोल्यूशन होगा मिनट्स क्या होता है कोई आइडिया मिनट्स 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 ये minutes नहीं ठीक है।, है जो भी मीटिंग हुआ ना उसका एक समरी हमने बताया ना प्रोस्पेक्टस की समरी होती है तो मिनट्स भी होता है जैसे मान लो हम आप, हम आप बात कर रहे हैं एक घंटे की हमारी मीटिंग चली तो हमारे एक घंटे की मीटिंग में मेन की पॉइंट्स क्या हुए वो सारे मिनट्स में क्या होते है? स्टोर होते हमने मीटिंग में देखा कि हाँ कुछ डायरेक्टर थे मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी उन्होंने क्या बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना है

ठीक है तो इसमें बहुत कुछ पढ़ेंगे इसमें दो चीज पढ़ेंगे इंटरम डिविडेंड क्या होता है फाइनल डिविडेंड क्या होता है कभी भी डिविडेंड डिकला कंपनी की ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी नहीं होती हाँ अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो उसकी एक सेपरेट प्रोविजन है कि पांच दिन में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डिविडेंड को डालो फिर विद इन थर्टी डेज सारे डिविडेंड को ना शेयर होल्डर्स को बांटो नहीं बांटा तो एक आईपीएफ अकाउंट में जाकर ट्रांसफर होता है सात साल तो वहां रहता है मान लो कोई शेयर होल्डर्स नहीं आए थर्टी डेज में तो वो सात साल के टाइम में शेयर होल्डर्स आके पैसा मांग सकते हैं वहां पर तो एक प्रॉपर डिविडेंड का प्रोविजन होता है डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होता है कौन डिविडेंड डिविडेंड्लेयर करेगा डिविडेंड का रेट कितना होगा अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाई तो डिविडेंड कितना देना पड़ेगा देखो प्रॉफिट कमाएगी तभी डिविडेंड आएगा बट कंपनी लॉस में चली गई तो

डिवाइड बाई थ्री नाइन हो गया तो कंपनी ने इतना बोलेंगे हाँ तुम डिविडेंड दे सकते हो कंपनी लॉस में जा रही है बट मैक्सिमम कितना देगी नाइन परसेंट एट परसेंट दे सकती है nine दे सकती है टेन परसेंट तो याद रखना एक ये आना चाहिए हमें ये एग्जाम में पूछा और ये प्रैक्टिकल मैंने एक ऑडिट करने गया था वहां भी एक ना कंपनी को ऐसे डिविडेंड डिक्लेयर करना था मैंने उनसे क्वेश्चन पूछ दिया कंपनी लॉस में जा रही थी मैं बोला कि मेरी एजीएम होने वाली है वहां पे डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है तो मैंने बोला कि मैम आपका तो कंपनी

कंपनी कभी भी अपने अकाउंट्स क्रिएट करेगी तो एस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगी और अब कंपनी इंडस का फॉलो कर रही है 2016 के बाद हजार सोलह के बाद मैंडेटरी हो गए कंपनीज पे ठीक है तो अब कंपनी जब भी अपने अकाउंट्स क्रिएट करेगी इंडेक्स एस को फॉलो करेगी ठीक है सेकंड क्या है कंपनी कभी भी अपने अकाउंट्स को ओवर वैल्यू एसेट्स को ओवर वैल्यू नहीं करेगी लाइब्रिटीज को अंडर वैल्यू नहीं करेगी एसेट्स को अंडर वैल्यू लाइब्रिटीज को ओवर वैल्यू तो यहाँ पे हम क्या चेक करना है हमें चेक करना है क्या कंपनी ने अपना जो अकाउंट्स बनाया क्या वो प्रॉपर बनाया प्रॉपर मतलब क्या हुआ क्या उसने एयरस को फॉलो किया उसने प्रोविजन को फॉलो किया इसमें सारे वही देखेंगे और, और इसमें क्या है कंपनी ने जो अकाउंट में वो ट्रू एंड फेयर भी हुई नहीं है अब ट्रू एंड फेयर की डिफिनेशन है क्या एसेट्स ओवर वैल्यू तो नहीं है लाइब्रेट अंडर गई तो नहीं है मान लो कंपनी कोई लाइब्रेटरी बनी हुई है कंपनी ने फिफ्टी लाख की लाइब्रेरी बताई और दिखाया फोर्टी लाख ही तो ये सारे प्रोविजन यहाँ पे हम अकाउंट्स ऑफ कंपनी में चेक करेंगे तो इस इसके अंदर ये मान लो एक थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे भी आएगा अकाउंट्स ऑफ कंपनी के अंदर क्या क्या फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं बोर्ड रिपोर्ट होता है कंपनी को फाइल करना पड़ता है यहाँ पे ए ओ सी फाइल करना होता है कंपनी को ये क्या होता है सर ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे जीएसटी एस टी वाला आइडिया है किसी को नहीं आइडिया ना थोड़ा बहुत है जीएसटी की एनुअल रिटर्न जाती है जब फाइनेंशियल खत्म होता है ना तो जीएसटी जो जो टी रिशन लिया जिसकी दो कर टर्न ओवर होती है उनकी एनुअल रिटर्न जाती है यहाँ पे तो कंपनी की भी है ना एक एनुअल रिटर्न जाती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाती है तो एओसी फोर होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो यहाँ पे हम ये देखें कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या बातें डालती है अभी एओसी फोर फाइल कर रही है अब जिसने फाइल किया उसको अच्छे से पता होगा क्या क्या होती है इसके अंदर इसके अंदर शेयर होल्डर्स डिटेल जाते हैं क्या क्या शेयर होल्डर्स शेयर होल्डिंग है मान लो कोई ए बी सी है उसने ए ने ट्वेंटी परसेंट लिया बी ने थर्टी परसेंट लिया सी ने सेवेंटी परसेंट लिया ऐसे करके। तो इसके पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह भी एग्जामिनेशन में आपको कम से कम देखने को मिल जाएगा मार्क्स का ठीक है डिविडेंड फाइव मार्क्स का आता ही आता है और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट और मजेदार चैप्टर मेरे को सबसे फेवरेट है ये ऑडिट एंड ऑडिटर ये क्या होता है ये होता है कि कंपनी में देखो कंपनी देखो एक तरह से पूरा सिक्वेंस है कंपनी प्रेम नहीं बनी कंपनी इंकॉपरेट हुई शेयर कैपिटल इशू हुआ अब पब्लिक से पैसा मांगना प्रोस्पेक्टस हुआ कंपनी को लोन चाहिए चार्ज बना कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी का मीटिंग बैठी अब लास्ट में क्या हुआ कंपनी ने अकाउंट्स भी बना लिया हमने क्या बनाया ऊपर अकाउंट बना लिया अब कंपनी का अकाउंट्स ऑडिट कौन करेगा ऑडिटर ऑडिटर आएगा अब यहाँ पे यहाँ पे हम एंटर करेंगे सी ए सी एंटर्स करेंगे यहाँ पे ऑडिट करना स्टार्ट करेंगे अब यहाँ पे क्या करेंगे गवर्नमेंट कंपनी होती है नॉन अदर दैन गवर्नमेंट कंपनी होती है उसमें ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का डेट कितना है गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है नॉन गवर्म नॉन गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट बीओडी करता है गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंट ऑडिटर सी एंड जी करता है ये सब नाम आपको आइडिया नहीं हो रहा होगा सी एनडीजी क्या होता है सी एंड जी मोस्टली गवर्नमेंट कंपनी से ऑडिटर मैं बोलता हूँ अभी बस एक ओवर भी समझ लो बेस स्टार्ट करेंगे इसके बाद एक एक डिफिनेशन उठाएंगे मैं बोलता हूँ एक कंसेप्ट चेक करके चलेगा मैं एक एक्साम्पल बनाऊंगा आपसे पूछूंगा तब एक एक कंसेप्ट चेक करते हैं जैसे तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है ठीक है एक एक करके चलेंगे ठीक है यहाँ पे हमारा क्या हुआ कंपनी लॉ का का नंबर पार्ट यहीं से कवर होता है और देखो पेपर लोक नंबर बोलने के लिए आता है एक ऑप्शनरी क्वेश्चन भी आता है ठीक है तो ये सब मिला के मार्क्स इतने रहेंगे इससे आएंगे एग्जाम में सिक्स मार्क्स के और बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है इसके अंदर और क्या रहेगा ऑडिटर में कि आप कौन ऑडिटर बन सकता है कौन ऑडिटर नहीं बन सकता जैसे मान लो ये मैं हूं ठीक है ये मेरी वाइफ है अगर इसने मान लो इसको बदला लेना है मेरे से ठीक है ये जाएगी किसी मैं मान लो मैं रिलायंस कंपनी में ऑडिटर हूँ ठीक है अब इसको मेरे से बदला लेना है ये क्या करेगी रिलायंस कंपनी में जाएगी और कुछ शेयर होल्डिंग ले लेगी ले जाके?

तो डिस्कालीफाई हो गया तो ये तुरंत नहीं हट जाएगा इसके पास टाइम दिया कि भाई रुक जाओ सब करो कहते नहीं रुको रुको सबर करो ये बोलेगा इसके पास एक टाइम लिमिट है सिक्स मंथ्स का टाइम लिमिट है सुधारने का ये आराम से, से बात करेगा बोले ठीक है गलती हुई मेरी गलती हुई अब काम करो दा तुम विद्रॉ कर लो शेयर होल्डिंग ठीक है तो ये पूरा एक तरह से ना प्रोसेस होता है एक बैक किसी को बदला नहीं ले सकते उसको भी टाइम दिया कि हाँ तुम जाओ बात करो उसको मनाओ ठीक करो और उसको बोलो दो शेयर होल्डिंग वापस लेने के लिए इससे क्या होता है बायसनेस जाता है बायसनेस क्या होता है कि आप इस पर क्या कर सकते कंट्रोल कर सकते करते मेरे शेयर होल्डिंग यहाँ पे है अब तुम्हें अपने ऑडिट रिपोर्ट में क्या करना ऐसे फाइल कर देना

डेज से मैंने कंफर्म कर दूंगा भाई ठीक है एक ये प्रोसेस है ठीक है चलो अब क्या करते हैं अब अब एक एक बेसिक उठाते हैं चैप्टर का चलो मेरे को लॉ क्या होता है अब थोड़ा मैं पूछता हूँ लॉ क्या होता है फाउंडेशन सबने पढ़ा है लॉ क्या होता है बताओ 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 और कोई बताओ यार लॉ फाउंडेशन सब पढ़ के आप तो सीपीटी वाले चलो ठीक है तुक्का मार दिए हम पास कर गए फाउंडेशन ने अच्छे ने अच्छे से स्कोर भी किया होगा सबने स्कोर किया होगा सबने लॉ में किसके एग्जामेशन से लॉ में अरे से? 60? और हाँ है? 73, 62. अब चलो एक बात हो मेरे को चलो मैं आप बोलते ना इनडायरेक्ट टेक्स तो आर्टिकल में अच्छे से किया ही हो अब मैं आपको इंटरप्रेशन लिखा बताऊंगा चलो इसका मतलब बताओ और इसका मतलब बताओ ये बताओ यह तो तो होता तो ये भी है एग्जॉस्टिव ठीक है ये होता है एग्जॉस्टिव और ये होता है मतलब इसके अंदर अभी और, और चीज आ आ सकती है ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या है यहाँ पे याद रखना यहाँ पे ये नहीं है मतलब है लॉ मींस इसको एग्जॉस्टिव कर दिया है अब एग्जॉस्टिव किया मतलब लॉ मींस में क्या क्या आते हैं तो फिक्स पॉइंट्स है देखो लॉ अब प्रैक्टिकल अभी मैं मैं भी करता हूँ मैं भी आर्टिकल बैठता हूँ ना मेरा बहुत पता लॉ क्या है मेरे को नहीं पता था मैं सेट ऑफ रॉल्स मैंने बैट अच्छा उठाया पढ़ा कि हाँ लॉ मतलब क्या होता है सुनो बहुत फिक्स चीज है लॉ मतलब क्या होता है सुनो एक्ट बताते जाता हूँ ठीक है रूल्स ऑर्डिनेंस रेगुलेशंस बाई लॉज तो ये याद नहीं करना एक आइडिया ले लो कि लॉ क्या होता है ठीक है मींस मतलब क्या एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है ये एक आइडिया ले लो आगे भी काम आएगा फ्यूचर तो काम आने ही वाला है पूरा मेरे ऑर्डिनेंस मतलब अभी नहीं पता था कुछ नहीं पहले पता चला ठीक है एक्ट क्या होता है एक्ट क्या होता है कोई आंसर नहीं सब शांत क्या बिल कौन पास करता है उसके अंदर कौन पास करता है कौन करता है चलो इतना तो पता ही है तुम लोग पहले से जीनियस बैठे भरे हो मैं ही गाड़ पढ़ा रहा हूँ ठीक है देखो जैसे मान लो कंपनीज एक्ट है ठीक है ठीक है अब दो टाइप के एक्ट बनते हैं एक तो मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करता है ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया कंपनीज एक्ट ये पार्लियामेंट ने पास हुआ तो एक्ट क्या होता है कोई भी एक्ट को लाने एक्ट इज ए लंबा प्रोसेस शॉर्ट प्रोसेस नहीं एक्ट बड़ा प्रोसेस है मान लो कोई एक्ट को लाना है ना तो एक प्रॉपर क्या होगा पार्लियामेंट में मीटिंग होगा पार्लियामेंट बैठेंगे उसके बाद फाइनल साइन कौन करता है प्रेसिडेंट करता है तो एक्ट दो टाइप के होते हैं एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है और एक बनाता है स्टेट गवर्नमेंट तो कंपनीज एक्ट जो हमारा ना कंपनीज एक्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया मतलब ये ऐसा एक्ट है जो ऑल ओवर इंडिया लगा हुआ है ऑल ओवर इंडिया लगा हुआ so, state act है सर स्टेट एक्ट क्या होता है वेस्ट बंगाल ग्रेचुटी एक्ट पे सिर्फ अगर बोला जाए कि अगर ये सब प्रोविजन हुए, हुआ है मान लो कि कोई लेबर लॉ हुआ मान लो दिल्ली लेबर लॉ दिल्ली में कुछ मान लो किसी लेबर को पैसा नहीं मिला तो वो दिल्ली लेबर लॉ में जाकर अपना कंप्लेन फाइल कर सकता है तो कोई स्पेसिफिक एरिया के बारे में जो लॉ बनता है ना वो बनाता है स्टेट गवर्नमेंट लाइक दिल्ली दिल्ली का कोई एक्ट बन गया या मान लो वेस्ट वेस्ट बंगाल का ग्रेचुटी एक्ट बन गया कंपनीज एक्ट क्या हुआ जो गवर्नमेंट बनाता है ऑल ओवर इंडिया जो अपीलीकेबल होता है वो एक्ट होता है सेकंड मतलब रूल्स क्या होता है मैं एक लॉ पढ़ा अभी रूल्स बताऊंगा कैसे रूल्स पढ़ा जाता है बताओ रूल्स क्या होता है ये तो फाउंडेशन में आइडिया होगा मे भी प्रिस्क्राइब करके नहीं है सुनो रूल्स कुछ नहीं होता है रूल्स इज जस्ट लाइक एक्सटेंड टर्म ऑफ एक्ट सब बातें एक्ट्स में नहीं लिखी जा सकती अगर सब बातें एक्ट्स में लिख देंगे ना तो रूल्स हमारा पूरा एक्ट बन जाएगा पाँच छः हजार पेज का तो एक्ट को बोला गया कि तुम कुछ लिमिटेड बातें लिखो जैसे हम पढ़ते प्रोविजन सेक्शन फाइव सेक्शन टेन सेक्शन इलेवन सेक्शन अब उसके अंदर की जो बातें होती है ना जो वास्ट टर्म है उसको बोला गया कि तुम आके रूल्स में बताओ Rules क्या होता है रूल्स पार्ट ऑफ एक्ट अब रूल्स पढ़ना कहां पे? एक, एक दिमाग जहां भी में ये लिखा रहेगा ठीक है जो यहाँ लिखा था ना एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड तो वो बातें क्या बोल रहा है ये हमें सेक्शन लिखा था मान लो सेक्शन लिखा हुआ है टू सेक्शन फोर्टी सेवन लिखा हुआ है कि ये ये होता है और ये बात है एज में प्रस्क्राइब वहां पर इतना लिख दिया

एक एक बात समझ समझो ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक आइडिया होना चाहिए कि प्रैक्टिकल भी आना चाहिए कि रूल्स रूल्स क्या क्या एक पार्ट ऑफ एक्ट एक्ट होता होता है होता है कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट पास करना होता है फोल ऑफ इंडिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट पास करता है स्टेट गवर्नमेंट को पास करना होता है तो स्पेसिफिक स्टेट में लगता है रूल्स क्या होता है एक्ट के बारे में डिफाइन करना हो तो कहां जाते हैं हम रूल्स पे रूल्स पकड़ा कैसे जाता है कहा क्या लिखा होगा वर्डिंग एज में प्रिस्क्राइब जहां लिखा है एज में प्रेस्क्राइब समझ जाना ये रूल्स के बात कर रहा है ठीक है ऑर्डिनेंस क्या होता है ये तो मेरे को सुनो अभी जैसे कोरोना का टाइम आया हमें पता है हमें क्या पता कंपनीज एक्ट पार्लियामेंट में बनता है अब कोरोना के टाइम में पार्लियामेंट बैठा ही नहीं अब हमें इमरजेंसी केस में कोई एक्ट को पास करना पड़ा तो जो इमरजेंसी केस में जो एक्ट पास होता है ना ये होता है ऑर्डिनेंस yes. में ठीक है तो इमरजेंसी केस में जो भी एक्ट पास हुआ वो ऑर्डिनेंस होता है ये क्या होता है एक तरह टेम्परी लॉ पास हुआ है कि हाँ प्रेसिडेंट आया साइन कर दिया और ये एक्ट यहां से यहां तक लगा हुआ है बस मान लो सुनो एग्जाम्पल देता हूँ ऑर्डिनेंस इंपॉर्टेंट याद रखना

तुम क्या करो ऑर्डिनेंस को फाइनल करो तुम्हें लॉ रखना है फाइनल करो पार्लियामेंट में डिसीजन लेके लॉ नहीं रखना है उसको भी बताओ तो ऑर्डिनेंस क्या टेम्परी लॉ लाया गया तो ये सब वर्ड ना ऑर्डिनेंस तो घबराना मत क्या होता है सिंपल सी बात है अभी बहुत सारे न्यूज देखोगे इसने ऑर्डिनेंस पास किया इसने ऑर्डिनेंस पास किया तो ऑर्डिनेंस क्या होता है प्रेसिडेंट द्वारा एक टेम्परी लॉ पास किया जाता है जो कि इफेक्टिव कब होता है इफेक्टिव तो रहता ही रहता है फाइनल कब होता है जब पार्लियामेंट बैठता है ना यहाँ पे यहां से बोलता है कि छह महीने के अंदर छे वीक के अंदर क्या करो इसको फाइनल कर दो कि तुम्हें इस मो आई बी मान लो कंपनीज एक्ट कुछ मान लो एक्साम्पल कंपनीज एक्ट अभी नहीं, नहीं आई इसको ऑर्डिनेंस से पास किया गया तो बोला कि एक काम करो छह महीने के अंदर इसको फाइनल करो कि इसको रखना है कि नहीं रखना है तो पार्लियामेंट इसको फाइनल करती है फिर ये ऑर्डिनेंस क्या बन जाती है प्रॉपर एक्ट बन जाती है चलो रेगुलेशन क्या होते हैं कुछ नहीं चलो रेगुलेशन कुछ नहीं है सेबी का नाम सुना होगा आपने तो जो ये सब ऑथोरिटी लॉ बनाती है ना दूसरों के लिए जैसे मान लो स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है तो स्टॉक एक्सचेंज का एक्ट कौन बनाता है सेबी बनाती है तो स्टॉक एक्सचेंज का एक्ट के लिए बोला गया कि सेबी गवर्नमेंट ने बोला काम करो स्टॉक एक्सचेंज ऐसा जोन है जहां मेरे को पता नहीं तो बोला सेबी भी काम करो तुम क्या करो स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक रेगुलेशंस बना दो तब पढ़ोगे आगे सेबी एलओडीआर सेबी रेगुलेशंस करके तो ये जो बाहर वाली रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है ना आरबीआई हो गया या सेबी हो गया ये किसी के लिए एक्ट या रेगुलेशंस एक्ट नहीं बोलूंगा रेगुलेशन बनाती है ना ये यही बनाती है और जब ये खुद के लिए बनाती है ना तो ये हो जाती है बाई लॉस मतलब देखो सेबी गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करो स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर चल रहा है हम इसके कोर्ट कंपेटेसी फील्ड वाले व्यक्ति नहीं है तुम एक काम करो सेबी तुम इनके लिए एक लॉ बना दो जैसे हर्षद मेहता के बाद सेबी ने लॉ बनाया ठीक है तो इनके लिए लॉ बना दो सेबी ने इनके लिए लॉ बनाया ना तो वो कहलाता है रेगुलेशन अभी पढ़ोगे फाइनल में सेबी रेगुलेशन एलओडीआर करके बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा और जब सेबी खुद के लिए लॉ बना रहा है ना उसको कहते हैं बाई लॉस मतलब सेबी के लिए भी तो कुछ होंगे ना सेबी में कब रजिस्टर्ड होना है किसने स्टॉक एक्सचेंज में जाना है खेलने के लिए तो सेबी में रजिस्टर करना पड़ता है तो सेबी जब खुद की अपने रेगुलेशन बना रही है ना उसको कहते हैं बाईल ठीक है हाँ इंटरनल रेगुलेशंस टाइप में कि सेबी मान लो कि कोई बंदा आया मान लो कोई रिलायंस कंपनी है उसको स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर करना अपना लिस्टेड करना है तो सेबी में रजिस्टर लेना जाएगी तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा केवाईसी कैसे होगा तो सेबी खुद के लिए भी रेगुलेशन बना, लॉ बनाती है उसको कहते हैं बाईलॉस जब खुद के लिए बनाती है उसको बाईलॉस दूसरों के लिए बनाती है तो वो क्या होता है रेगुलेशन हो जाते हैं ठीक है लास्ट क्या है ऑर्डर ऑर्डर इज नॉट अव इम्पोर्टेंट ऑर्डर कुछ नहीं होता है आरओसी सी पास समझा है खटखटा ने कि देखो इसने ऐसे ऐसे किया है या एजुटे अथॉरिटी होता है ट्राइब्यूनल होता है आरओसी होता है पढ़ेंगे ये ऑर्डर पास करती है कि देखो इस व्यक्ति पे ये लॉ लग जाएगा तो ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं समझो मेन समझ जाओ लॉ मीन्स इतनी ही चीज है लॉ मतलब क्या क्या है एक्ट एक्ट को डिफाइन कौन किया रूल्स रूल्स कब पता किए एज मे बी प्रेस्क्राइब रूल्स के बाद कहा गए हम ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस क्या होता है एक टेम्प्री लॉ पास होता है प्रेसिडेंट द्वारा जो कि फाइनल कब होता है जब पार्लियामेंट बैठता है वहां से सिक्स वीक्स में रखना लॉ को रखो नहीं रखना लॉ को हटाओ उसके बाद क्या बताया मैंने रेगुलेशंस रेगुलेशंस क्या होते हैं जब कोई रेगुलेटरी बॉडी किसी दूसरे के लिए रेगुलेशंस या मान लो लॉ बनाए उसको रेगुलेशन करते हैं जब खुद के लिए बनाए तो बाई लॉस ऑर्डर क्या होता है जो नॉर्मली पास हुआ अभी ऑर्डर बहुत पड़ेंगे ये उसने ऑर्डर दे दिया कि ये प्रोविजन तुम पे लगेगा इस ये प्रोविजन तुम नहीं लगेगा सी ने ऑर्डर दे दिया कि भाई बाहर वाली कंपनी आई हो तुम पे ये प्रोविजन ये प्रोविजन लगेगा ये प्रोविजन नहीं लगेगा तो एक ऑर्डर पर पास करके होता है ठीक है चलो कुछ आइडिया देता हूँ अब धीरे धीरे बेसिक्स क्लियर करते हैं मीटिंग्स कितने टाइप की होती है अब बेसिक स्टार्ट हो गया अच्छे से ये तो हमारा चलो ज्ञान था मैंने ज्ञान दे दिया अच्छे जगह ध्यान दिया अब थोड़े लॉप पे ज्ञान पे, पे आते हैं मीटिंग्स कितने टाइप की होती है बताओ <laughs> नहीं आइडिया चलो मीटिंग होती है चार टाइप की सुनो अब देखो मीटिंग सुन के अब यहां से हमारा मेन चीज स्टार्ट हुआ अब अच्छे सा ले लो। है अब मैं देखो, बहुत यहां चालू हुआ है ये बेसिक सीख जाओगे ना फाइनल तक काम देने वाला है एक क्या होता है जनरल मीटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ जनरल मीटिंग इसके अंदर पार्ट्स होते हैं ठीक है ऊपर जनरल मीटिंग के अंदर पार्ट्स होते हैं अब जनरल मीटिंग के अंदर क्या पार्ट्स होते हैं सुनो एक होता है एजीएम एक होता है ईजीएम होता है स्पेशल क्लास मीटिंग ठीक है स्पेशल क्लास मीटिंग सुनो क्या क्या अंतर होता तीनों में यहां भी लॉ में है ना वर्ड है ना जीएम मतलब जनरल मीटिंग गुड मॉर्निंग मतलब क्या ना जनरल मीटिंग तो जनरल मीटिंग में मतलब क्या होता है ईजीएम भी बोल रहा है वो एजीएम भी बोल रहा है वो स्पेशल क्लास मीटिंग बोल रहा है तो अगर उसने डिनोट किया स्पेसिफिक एजीएम तो मतलब एजीएम उसने डिनोट किया स्पेसिफिक ईजीएम तो मतलब एक्स्ट्रा तो मतलब क्या होता है देखो बार बार बोलना बहुत देखा। आगे भी कुछ क्लियर नहीं बोला उसने बोला जनरल मीटिंग अब, अब जाके अंदर क्या जनरल मीटिंग में कितने प्रकार होते हैं कितने टाइप्स होते हैं तो कितने एजीएम एजीएम क्या होता है एनुअल एनुअल जनरल मीटिंग मतलब साल में एक बार कंपनी अपनी एजीएम करेगी एजीएम में क्या होगा जो भी बड़े डिसीजन हुए साल भर में अपने क्या क्या कारनामा किया कंपनी में सब शेयर बैठे रिलायंस का हमेशा एजीएम होता है वॉरेन बफेट ने भी पे भी पे डाला था ठीक है तो साल में एक एजीएम मैंडेटरी है अच्छा एजीएम नहीं करवा रही है तो, तो भाई वो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो नहीं कर रही है बहुत सारे अभी आगे पढ़ोगे कि क्या होता है कि हर एजीएम एक डायरेक्टर रिटायर होता है अब कंपनी ने एजीएम किया ही नहीं डायरेक्ट रिटायर ही नहीं हुआ फिर तो तो कंपनी को एजीएम करना मैंडेटरी हो जाता है नहीं किया तो भाई वो प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो नहीं कर रही कंपनी में कॉर्पोरेट एथिक्स फॉलो नहीं कर रही है तो याद रखना कंपनी को एजीएम कंडक्ट करना मैंडेटरी हो जाता है ठीक है अब सुनो एजीएम मतलब यहां पे शेयर होल्डर्स बैठे यहां पे सब बैठे मतलब शेयर होल्डर्स बैठे ऑडिटर भी आया यहां पे बोर्ड भी आया और सब बैठ के क्या किया जो भी साल का डिसीजन हुआ ना यहां प्रॉपर फाइनल किया डिविडेंड भी डिक्लेयर करना है यहां पे फाइनल किया मतलब साल भर का जितना एजीएम एक ही टाइम होता है रखना अब इसको एक्सटेंड करके एडजर्न हो जाता है एजीएम AGM एक बार कंडक्ट करा सकते हो। अब साल में चल है, आप कोई डिसीजन लेना साल भर का जो काम किया वो एजीएम में बात कर लिया अप्रैल को सुनो एक फिफ्टी लाख का कॉन्ट्रैक्ट पास करना है ठीक है अब बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करते हैं बट डिसीजन लेना होता है शेयर होल्डर से तो शेयर होल्डर डिसीजन लेना होता है यहाँ पे अब यहाँ पे एजीएम कंडक्ट करा है मतलब एक सितंबर को मान लो तीस सितंबर को एजीएम एम होता है एजीएम वेट करे फिर क्या हुआ एक अप्रैल को एक, एक मई को और क्या आ गया एक कॉन्ट्रैक्ट और आया मान लो हंड्रेड करोड़ का आ गया फिर एक जून को और बात हुई कि द, एक डायरेक्टर अपॉइंट करना है मतलब हर जगह कुछ ना कुछ हर महीने कुछ ना कुछ हो रहा है कंपनी में तो हो रहा है कंपनी में तो क्या कंपनी वेट करेगी यहाँ तक का कि कंपनी एजीएम आएगी सारा की जिस तरह से कॉन्सल्ट्रेट कर ले एजीएम आएगी सब रख देंगे और डिसीजन ले लेंगे नहीं इसके लिए क्या कंडक्ट होगा ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ये क्या होता है ये ड्यूरिंग द ईयर होता है ड्यूरिंग द ईयर होगा मतलब कभी एक स्पेसिफिक डेट नहीं फिक्स है इसका कि आज 22 मार्च को होगा 24 मार्च को होगा 6 अप्रैल को होगा जब भी कंपनी को डिसीजन लेना है ईजीएम कंडक्ट करा सकती है प्रॉपर नोटिस जाएगा ऐसा नहीं कि ईजीएम मतलब क्या हुआ आज ईजीएम और ऐसा नहीं प्रॉपर नोटिस जाएगा शॉर्टर नोटिस का टाइम है वो पढ़ेंगे मैनेजमेंट में पढ़ेंगे जब मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट होगा सेक्शन एक सौ वहां पर बताएगा नोटिस का क्या कैसे नहीं क्या नहीं है तो याद रखना दो टाइप की मीटिंग देखा हमने एजीएम और ईजीएम स्पेशल क्लास मीटिंग क्या होती है यहां पे हाई लोग आते हैं नहीं सुनो कंपनी में दो तीन टैपेट होते हैं एक डेवेंचर होल्डर्स होते हैं एक शेयर होल्डर्स होते हैं एक प्रिफरेंस होल्डर होते हैं तो मान लो कि बोल दिया गया कि आप ये जो मीटिंग है ना वो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले लोग अटेंड करेंगे सिर्फ ठीक है या मान लो ये मीटिंग जो है ना वो प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स वाले लोग ही अटेंड करेंगे तो वो जो स्पेशल क्लास वाले मतलब क्लास मतलब क्या हुआ क्लास डी शेयर डिवेंचर्स ये लोग को बोला गया कि तुम डेवेंचर होल्डर मैं एक मीटिंग कंडक्ट कराना हूँ कंपनी ने लोन लिया ऐसे लिया तो तुम डिवेंचर और जितनी कंपनी को इस कंपनी में अटेंड करोगे ये ये भी ड्यूरिंग द ईयर होता है तो स्पेशल क्लास मीटिंग क्या हो गया जब किसी स्पेसिफिक कैटेगरी लोग को कैटेगराइज किया जाता है वहां पे स्पेशल मीटिंग होता है तो तीन टाइप्स के हमने जनरल मीटिंग देखे क्या देखे जनरल मीटिंग कौन कौन जनरल मीटिंग तीन टाइप्स के एजीएम कब होता है कि, कितने बार होता है by, by -by by. एक बार ईजीएम क्या होता है ड्यूरिंग दर कितने बार हो सकता है जब डिसीजन लेना है ईजीएम करना लेकिन प्रोसेस होगा देखो कुछ भी करने का एसओपी होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है ये नहीं करते कि आज मेरे को ईजीएम मैंने बोल दिया कि आज फोन कर दिया सबको कि नहीं एक प्रॉपर नोटिस जाता है नोटिस के बाद उनका कंसेंट आता है उनको कोई दिक्कत हो बताएंगे तब एक ईजीएम कंडक्ट होती है तो इसके भी प्रोसेस है कि इक्कीस दिन, दिन का नोटिस होता है मान लो बोल दिया कि नहीं इक्कीस दिन टाइम नहीं है तुरंत ईजीएम कंडक्ट कराना है तो शॉर्टर नोटिस भी जा सकता है ठीक है तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने कॉल लगाया ईजीएम कंडक्ट आज हो गया मैंने बोला कि ईजीएम कंडक्ट कभी भी हो सकता है बट इसका भी एक एसओपी होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है स्पेशल क्लास मीटिंग क्या होता है जो जो स्पेशल क्लास मेंबर्स या शेयर होल्डर्स के बारे में बताया गया मान लो डिवेंचर होल्डर्स बैठ गया बॉन्ड वाले लोग उसको बैठा दिया गया स्पेशल क्लास मीटिंग में अब एक अलग मीटिंग होता है क्या सुनो बोर्ड मीटिंग ये सारा मीटिंग में कौन बैठ रहा है ज्यादातर ठीक है अब शेयर होल्डर्स तो ओनर्स को तो तो बैठा दिया अब बोर्ड मीटिंग वाले बोले कि हम भी तो मीटिंग कर सकते हैं तो इनके लिए जो मीटिंग होती है वो होती है बोर्ड मीटिंग इसमें कौन बैठते हैं डायरेक्टर्स बैठते कौन है डायरेक्टर डायरेक्टर का झुंड होता है बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ठीक है बोर्ड होता है डायरेक्टर का पूरा ग्रुप होता है ये प्रोविजन क्या है ये प्रोविजन पढ़ना है आपको फाइनल में ये आईपीसीसी में इतना नहीं है कि एक कंपनी को कितनी बोर्ड मीटिंग करनी होती है बोर्ड मीटिंग मतलब कितने डायरेक्टर्स बैठ के मिनिमम कंपनी को प्राइवेट कंपनी को चार कंपनीज को चार बोर्ड मीटिंग करनी होती है साल में नहीं किया तो ये आपको प्रैक्टिकल के काम आएगा और यहाँ तो प्रैक्टिकल काम आएगा कि एजीएम क्या होता है ईजीएम ईजीएम क्या होता है, क्या होता है का ही प्रोविजन पढ़ेंगे वही एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर मीटिंग में सब कुछ है ईजीएम कितना कंडक्ट करना पड़ता है नोटिस कितना दिन पहले जाएगा बोर्ड मीटिंग क्या है ये भी फाइनेंस में है ये फा, ये में ये सारा आईपीसीसी में गेम ठीक है ये फाइनल में है कि बोर्ड मीटिंग में कितने दिन पहले नोटिस जाता है यहाँ नोटिस का टाइम कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत लिमिटेड लोग होते हैं डायरेक्टर्स में दस पंद्रह लोग होते हैं शेयर होल्डर्स रिलायंस कितने शेयर होल्डर्स रिलायंस के ठीक है तो एक लिमिटेड लोग होते हैं बोर्ड मीटिंग में यहाँ पे प्रॉपर सेवन डेज का नोटिस चार मीटिंग साल में मिनिमम चार मीटिंग है मैक्सिमम देखो जहां से ऑफ हो गया तुमने कॉन्ट्रेंड कर दिया लॉ का ठीक है तो चार बोर्ड मीटिंग याद करो नॉलेज के लिए चार बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करती है कोई भी कंपनी ड्यूरिंग ठीक है चलो अब तो एक बात आते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई इस पर साइट खुलेगा नहीं बता देता ठीक है कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई नंबर नंबर पता है कि क्या होता है? लेने बाद आता है। लेने तो के के बाद बाद नंबर 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 आता तो कंपनी करने आएगा, आएगा। कितने होता है बढ़िया। बताना को क्या, क्या होता है कैसे कैसे होता है अगर मान लो किसी कंपनी को तुम्हें पता करना है कि उस कंपनी सब कुछ जानना है कंपनी का मान लो जी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना तो बीच का पैन नंबर होता है स्टार्टिंग का दो डिजिट स्टेट कोड होता है लास्ट का ऐसे यूनिक कोड होता है तो कंपनी का सिन नंबर है ना उसकी सारी बातें बता देता है तो सिन नंबर ये सब देखना मैं बताऊंगा अगर कल क्लास स्टार्ट हो गया तो वेबसाइट खोल के मैं दिखाऊंगा एम साइट पे कैसे जाके किसी कंपनी का सब कुछ किसी भी कंपनी का बोल रहा हूँ मैं किसी भी कंपनी का क्या बोल सकता हूँ सब कुछ चेक कर सकता हूँ सर ऑफिशियल वेबसाइट क्या है ये भी याद कर लो डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसके अंदर जाके ना एक बता देता हूं कि कुछ सर्च करना तो मास्टर डेटा ठीक है मास्टर डेटा के अंदर आके जब मास्टर सर्च करोगे ना वहाँ आएगा कंपनी कंपनी के बारे में डेटा आएगा मतलब कंपनी के बारे में डेटा मतलब जो भी तुम्हें कंपनी बारे सर्च करना है ना उसका नाम लिख देना नीचे कैप्चा कोड लिख देना और वो सर्च करना तुम्हें इस कंपनी का सब कुछ खुल जाएगा क्या क्या, क्या, क्या क्या खुलेगा सिन नंबर लेके कंपनी का लास्ट एजीएम कब कंडक्ट हुई है एजीएम मतलब एक एनुअल जनरल मीटिंग साल भर में होती है हुई भी है कि नहीं हुई है क्या कंपनी अभी एक्टिव है या कंपनी बंद हो चुकी है कंपनी ने कितना लोन ले रखा है कंपनी का कितना पेड ऑफ से कितने डायरेक्टर है बोलता हूँ सब मिल जाएगा यहाँ पे तो एक आइडिया हो जाता है कंपनी को किसी कंपनी में जानना हो ना अच्छे से तो एमसी वेबसाइट हो जाना मास्टर डेटा में जाना और नीचे कंपनी का नाम लिख देना मान लो रिलायंस जियो लिख दिया तुमने इन्फोसिस uh, लिख दिया तुमने इसके अंदर टाटा लिख दिया टाटा का कोई भी लिख दिया यहाँ पे कुछ भी जानना हो कंपनी में सब तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे लास्ट एजीएम क्या कंडक्ट हुई सब क्या, चलो एक, एक चीज और बताओ नहीं।, नहीं चलो टाइप्स ऑफ कंपनी बताओ किसी को पता है कितने टाइप से कंपनी होती है वो तो ठीक है वो लिमिटेड लिमिटेड बाय बाय शेयर्स गारंटी मतलब कितनी टाइप्स की मतलब टाइप, टाइप कंपनी कितने प्रकार की होती है प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी ओपीसी स्मॉल कितने आइडिया है कितने टाइप कंपनी होती है कितनी बताओ देखो बेसिकली समझ लो कितने समझ लो एक होती है ओपीसी ठीक है देखो मैं हैंड रिटेन नोट्स प्रॉपर बनवा के दे दूंगा ठीक है

मतलब अगर ऊपर से देखना हो तो कैसे ठीक है ये तो चलो पता है यहाँ पे कोई भी कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा और ये डायरेक्ट लिमिटेड लिखा रहेगा चलो ठीक है कंपनी में मेंबर्स मिनिमम में में कितने होते हैं इसको और डिराइव करेंगे आगे जाके आराम से आराम से ओपीसी में मिनिमम कितने होते हैं मैक्सिमम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्राइवेट कंपनी में टू ठीक है मैक्सिमम उसके ऊपर चला गया तो चलो ठीक है पब्लिक में मिनिमम मैक्सिमम चलो ठीक है ये तो पता है डायरेक्टर्स से पता है कुछ देखो डायरेक्टर भी आइडिया कर लो प्रैक्टिकल भी आइडिया कर लो मान लो ऐसा सुनो कोई आपके पास क्लाइंट आया तो थो थोड़ा प्रैक्टिकल भी सीखते जाओ मजा आएगा प्रैक्टिकल सीखते जाओगे तो कोई क्लाइंट आया प्रैक्टिकल मैंने फील किया अब इसने मेरे को फोन लगाया कि मेरे को कंपनी कोपरेट करना है मैं बोला ठीक है तो उसको सामने पता नहीं कौन सी कंपनी कोपा बस बोला कंपनी को करना है बोला कि कितने लोग हैं बोला कि सर तीन लोग मेरे पास हैं ठीक है तीन लोग से बोल दिया। तो कौन सी कंपनी पे इंकोप्रेट कर सकते हैं प्राइवेट, प्राइवेट। उसको सजेशन देना था कौन सी से कंपनी सजेशन देख सकते हैं प्राइवेट ठीक है प्राइवेट।, प्राइवेट बोल दिया हमने अब उसने पूछा क्या क्या ऑब्लिकेशन होंगे मैं देखो सर आपके में दो से सौ चाहिए मिनिमम सबका क्राइटेरिया पूरा हो गया अब सर आपको डायरेक्टर ही बनाना पड़ेगा अब कंपनी में जरूरी नहीं मेंबर्स बन के भेजा जाते हैं कंपनी में डायरेक्टर्स ही बनने पड़ते हैं कि जो कंपनी आपने ओनर कंपनी तो मेंबर्स क्या होते हैं ओनर होते हैं कंपनी कंपनी के अब रन कौन करेगा डायरेक्टर तो यहाँ पे ये भी सजेशन देना कि ये देखो ये पार्ट नहीं था सिलेबस का थोड़ा सा बट एक आइडिया बता रहा हूं कि डायरेक्टर भी आइडिया लेके चलना कि हाँ, में वन डायरेक्टर टू डायरेक्टर और थ्री डायरेक्टर तो मतलब इस क्लाइंट को हमने क्या सजेशन दिया कितने डायरेक्टर तुमने तो बनेंगे दो, दो. सर इसने बोला कि जो तीन मेंबर है ना वो तीनों डायरेक्टर बना दो तो बना सकते हैं दो. नहीं मैं क्या बोला वर्ड बोला मिनिमम आप सुनो यहाँ पे लिखा मिनिमम मतलब कम से कम इतना होना चाहिए सर पांच बोल दो बना दो तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इसका प्रोविजन है मैक्सिमम कितना बट अभी नहीं पढ़ना बट याद रखना वर्ड हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम में वर्ड हमेशा याद रखना चलो ठीक है कुछ और ज्ञान बातें लेते हैं ओवरव्यू करते हैं क्या 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 नहीं है ठीक है अब अब, अब बात है रिजोल्यूशन की अब मैंने क्या बताया मीटिंग्स तीन टाइप के दो टाइप तीन इधर हो गए एक इधर हो गए जन एजीएम ई स्पेशल क्लास की मीटिंग इधर क्या हो गया बोर्ड मीटिंग अब उस मीटिंग में क्या होगा लोग लड़ेंगे बैठ के आके क्या करेंगे

एक और एक और स्पेशल रेजुलेशन अब बताओ ऑर्डिनरी होता क्या है ये तो पढ़ा होगा यार तुम ने मैंने कंपनी सेक्टर देखा था सिलेबस फाउंडेशन का इतना तो था शायद रेजुलेशन ये सब नहीं था नहीं था, नहीं था? नहीं था? नहीं था? नहीं था? चलो अच्छा चलो ठीक है देखो ओवर ऐसा पास होता है देखो नॉर्मली रिजोलूशन लिखा रहे कहीं पे तो कंफ्यूज मत होना मतलब देखो क्या बोला जनरल मीटिंग लिखा रहा है तो कंफ्यूज मत होना मतलब वो तीनों की बातें कर रहा है अंदर बोल दे एजीएम तो एजीएम ईजीएम तो ईजीएम तो स्पेशल तो ईजीएम रिजोलूशन लिखा हुआ तो दोनों की बात कर रहा भी क्लियर नहीं लॉ भी क्लियर नहीं है यहाँ पे क्या पास होना है ठीक है तो जहां पर रिजोल्यूशन लिखा रहा है वहां पर याद रखना अगर ओवर है और ऐसा है तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ ओवर मतलब क्या हुआ मेजोरिटी ओवर मतलब क्या हुआ मेजोरिटी मतलब चार ने हा बोला पांच ने ना बोला तो ये ना जीत गया ठीक है मैं इक्वल नहीं बोल रहा हूँ मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ लोग फिफ्टी परसेंट को मेजोरिटी ठीक है जहां तुम्हारा वोट अगेंस्ट या वोट फेवर एक्सीड कर जाए सामने वाले अपोजिशन से मान लो दस लोग ने बोला हाँ अब मान लो ओवर पास करना तो क्या बोलना पड़ेगा ग्यारह लोग को ना तो ये ना वाला रेजोल्यूशन पास होगा रिजन हमेशा पॉजिटिव नहीं होता नेगेटिव पास हो सकता है मान लो जोड़ी ना बोलना पड़े किसी को आठ ने हाँ बोला तो रेजोल्यूशन कैसे पास कर सकते हैं इसको नौ ने ना या मतलब सात ने हाँ बोल दिया आठ आठ ना बोल के अपना ओवर पास कर सकते हैं तो मतलब ये मेजोरिटी मेजोरिटी फिफ्टी परसेंट आती है नहीं आती है अब सर क्लैश करके फिफ्टी परसेंट तो, तो चेयरपर्सन के पास मीटिंग हो जाएगा चेयरपर्सन डिसाइड करेंगे क्या करना नहीं करना है ठीक है उसका मीटिंग में पढ़ना है पर एक नॉर्मल समझो ओवर क्या होता है मेजोरिटी 50 परसेंट मत लिखा एग्जाम में एग्जाम में यही गलती लोग करते हैं और मतलब परसेंट पास होता है मैं भी स्टार्टिंग यही करता था 50 नहीं वर्डिंग साफ लिखे मेजोरिटी और मेजोरिटी का ही 50 फिफ्टीसेंट आती है मोर देन फिफ्टी परसेंट होना चाहिए ठीक है तो ये याद रखना मेजोरिटी के लिए अब ऐसा क्या लिखा हुआ है स्पेशल क्वेश्चन क्या होगा बताओ यहां पे साफ लिखा है थ्री फोर्थ मतलब सेवेंटी फाइव परसेंट भी हुआ ना

तो ये रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है।, है, है, है।, ये ये है हर जगह लॉ में अलग क्राइटेरिया हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है पंद्रह डायरेक्टर मैक्सिमम है सोलव डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो एसआर पास होगा कंपनी को लोन देना है तो ओआर पास होगा कंपनी से लोन लेना है तो एसआर पास होगा तो हर जगह अलग अलग बातें तो ये याद नहीं कर सकते भी नहीं है एग्जाम में क्या याद रखना है ओआर कब पास होगा और एसर का पास होगा चलो ठीक है एसर पास नहीं लॉ में लिखा हुआ है कि तुमको लोन चाहिए हंड़ करो। हंड़ करो का लोन है और कंपनी को एसर पास करना है, 74 का भी होता है? तो नहीं हुआ भाई, तुम्हें लोन पास नहीं हो पाएगा तुम्हारा अब लिख दिया ओवर पास करना है तो फिफ्टी तो परसेंट कुछ लोग भी आगे फिफ्टी परसेंट एक सीट कर गया ना मेजोरिटी सीट कर गया ना तो बात करता है चलो अब क्या करते हैं अब थोड़ा

थोड़ा होता है कि मान लो कोई भी डिसीजन लेने जा रहा है ना कंपनी तो मिनिमम इतने लोग मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए देखो नोटिस तो सबको जाएगा नोटिस के देखो मान लो कंपनी में एजीएम में हंड्रेड है ठीक है नोटिस तो सबको जाना है मतलब भाई हम बुलावा देंगे तुमको कि तुम आओ बट जरूरी थोड़ी ना हंड्रेड लोग इंडिया में हो या मान लो कोई अपना बिजी हो शेड्यूल में अब इसमें से मान लो दस ही लोग आए या मान लो बोर्ड ऑफ मीटिंग में सोल्व मान लो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में दस लोग थे नोटिस सबको दिया हमने इसमें आए तीन ही लोग क्या ये तीन लोग डिसीजन ले सकते हैं मतलब क्या तीन लोग ओ एस पास कर सकते हैं तो ये कोरम बताता है कि मिनिमम अगर मीटिंग में लोग आए ना तो इतने लोग होने चाहिए कितने लोग होने चाहिए सेक्शन में पढ़ेंगे बट आइडिया ले लो कोरम क्या होता है कोरम क्या बोलता है कोई भी डिसीजन मतलब कोई भी रेजोल्यूशन पास कर रहे हो ना तो मिनिमम कम से कम कोरम बताता है कि इतने लोग होने चाहिए मतलब वन थर्ड हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टू थर्ड हो गया जितने जितने मतलब जितने जितने डायरेक्टर दस डायरेक्टर है ना तो दस डायरेक्टर का टू थर्ड कम से कम यहां पे मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करें तो इतने लोग होने चाहिए कोरम के लिए नहीं है तो तो वो रिजोल्यूशन वॉइड हो जाएगा अगर पास हो गया ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन ऐसे बन के आएंगे कि कंपनी में सो मेंबर्स है सौ मेंबर्स है नोटिस सबको जाएगा नोटिस प्रॉपर जाएगा नोटिस नहीं गया तो वो डिफॉल्ट है कंपनी का फिर तो अब कॉन्ट्रवेंट कर दिया अब वो सौ मेंबर्स है उसमें से मान लो कि अब मान लो तुम ही लोग हो सौ लोग मैं बोलूंगा चलो यहाँ पर पार्टी है तुम दस सौ में से सारे लोग लगता है दस ही लोग अब होंगे अब क्या वो दस लोग आके वहाँ पे पार्टी में डिसीजन ले पाएंगे अब तो वो दस लोग आने का क्राइटेरिया क्या बताया कम से कम कितने लोगों ने चाहिए मिनिमम वो कोरम बताता है सब लोग आ गए तो बढ़िया बात है बट कोरम बता दे कम से कम इतने लोग तो होने चाहिए जो मीटिंग में आए हैं और मीटिंग में बैठ के रिजोल्यूशन पास करें इतने लोग नहीं हो पाए तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं होगा अब हो भी गया तो वो क्या हो जाएगा वाइट मतलब क्या होता है स्टार्टिंग से ही वो एक वाइट होता है कि स्टार्टिंग से कैंसिल एक होता है कि अभी पास किया अभी से हम इसे कैंसिल कर दिए हुए ठीक है तो ये याद रखना कोरम का मतलब क्या होता है नोटिस क्या होता है मीटिंग कंडक्ट करवाना है मान लो मेरे को तुमको नोटिस भेजना है मैंने तुम्हें क्या किया एक, एक ड्राफ्ट लिखा कि आपका नाम लिखा यहाँ पे कि हमारी मीटिंग होने वाली है इतने इतने तारीख को क्या आप प्रेजेंट होने वाले हो अपना कंसेंट बताओ ये बताओ तो एक नोटिस ड्राफ्ट करके भेजते हैं तो याद रखना दो चीज होता है नोटिस भेजना हमारी ऑब्लिकेशन है हमारी कौन कंपनी की कंपनी नोटिस मैंडेटरी भेजेगी अगर किसी डायरेक्टर को नोटिस नहीं गया तो सोचो कंपनी के उसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे अब ये डायरेक्टर चाहे तो कंप्लेन भी कर सकता है और ये जो रेजोल्यूशन पास भी होना है इसके बिना वो वाइड भी हो सकता है ठीक है तो याद रखना नोटिस देना मैंडेटरी है कंपनी को आगे पढ़ोगे बहुत चीज है नोटिस नोटिस मैंडेटरी नोटिस नहीं दिया तो ये तुम क्या करो ऑपरेशन करो ऑपरेशन मतलब क्या होता है कंपनी में मेंबर से अत्याचार कर रहे हो मतलब तुम्हारे क्या दुश्मनी है उसको भाई उसको नोटिस नहीं दिया तुमने बताया नहीं कि हमारी मीटिंग होने वाली है डिसीन लेने वाले हो अब ये नहीं है इसका मर्जी बट नोटिस देना क्या है मैंडेटरी है अब ये मान लो ये आ गया अब ये आ गया तो हम चेक करेंगे कोरम में कितने लोग है कि नहीं जो डिसन लेने वाले ठीक है चलो अब क्या करते हैं मीन स्टार्ट करते हैं प्रीलिमरी ठीक है थोड़ी कॉल करते हैं दो दो मिनट लगे दो रिविजन बहुत मैंडेटरी है ठीक है जनरल मीटिंग कितने टाइप के होते हैं ईजीएम क्या होता है ड्यूरिंग द ईयर होता है एजीएम क्या होता है साल में होता है स्पेशल क्लास मीटिंग क्या होता है फोरम क्या होता है मिनिमम नंबर प्रेजेंट हो जाए रिजोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं दो, दो, दो होते हैं कौन कौन ओवर क्या होता है तो मेजोरिटी वाले ठीक है मेजोरिटी मतलब 50 more than 50 है, जो, जो भी हो जाए। एसर क्या होता है? More than नहीं, यहां पर कंफ्यूज मत करके आ देना ठीक है हाँ मोर देन इक्वल टू ठीक है सेवेंटी फाइव परसेंट ये सब क्या हुआ बेसिक हो गया नोटिस मैंडेटरी है देना अब वो बंदा नहीं आया तो उस, उसकी गलती भाई वो नहीं आया नहीं आया हमें तो अपने कंपनी में अप्लीकेशन पूरा किया ना नोटिस देखे चलो अब देखो सारे सेक्शन बटे हुए हैं टोटल हमारे कंपनी एक्ट में चार सौ सत्तर सेक्शन है ठीक है डर मत जाना हमें पढ़ना है वन फोर्टी एट तक पढ़ना है आई पी में फाइनल में अच्छा खासा सिलेबस है वन फोर्टी नाइन से लेकर चार सौ सत्तर तक है ठीक है लेकिन मज़ा फाइनल में ज़्यादा आता है बता रहा हो बस डरना मत फाइनल बहुत बहुत मज़ेदार है फाइनल देखो ये है ना आई पी सी सी थर्टी परसेंट प्रैक्टिकल है ना फाइनल सेवेंटी परसेंट प्रैक्टिकल है और फाइनल आता सब वेबसाइट देखना सीख जाओगे एमसीए क्या होता है ये क्या होता ये सब जेक करना एमसीएट गवर्नमेंट डॉट साइट पे जाना वहां पे साइट लिखा होगा माइक वर्क वर्क करके लिखा होगा वर्क स्पेस करके लिखा होगा वहां पे कंपनी का नेम डालना और कैप्चा को डालना ज्यादा कुछ पैसा नहीं मांगेगा आपसे और कंपनी का डिटेल देखना अंदर डायरेक्टर कौन कौन होंगे देखना उसमें डायरेक्टर लोग होंगे मुकेश अंबानी होंगे रिलायंस के चेक करना होगा चेक करना उसके अंदर वो भी चेक कर सकते हो वो कितने कंपनीज में और डायरेक्टर है एक बार ये सब ना थोड़ा प्रैक्टिकल करते चेक करते जाना चलो सेक्शन दैट इज अब ये क्या होता है प्रीलिमिनरी या आप बुक कर रहे हो ठीक है ये बुक का जो मेन हेडिंग होता है ना ये आपको बताता है बुक बुक की कोई भी आप उठाते हो ना उसके अंदर क्या लिखा रहता है कि इस बुक के अंदर क्या क्या बातें हैं तो ये हमारा प्रीलिमिनरी डिसाइड करता है मतलब ये क्या होता है इज लाइक हेडिंग ऑफ बुक मतलब कौन कौन सा एक्ट कौन कौन सा सेक्शन कौन कौन सा रेगुलेशन कौन कौन सा शेड्यूल लिखा हुआ है वो सारा प्रेम लिखा हुआ है याद करना है सेक्शन सेक्शन बिल्कुल याद नहीं करना जो एक्ट उठा ना उसका सेक्शन वन क्या होने वाला है मान लो आज आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो कल आप जीएसटी एक्ट पढ़ोगे सेक्शन वन क्या होने वाला है एक इंट्रोडक्शन है कि हाँ ये कंपनीज एक्ट हम पढ़ने वाले हैं कंपनीज एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है ठीक है चलो और सुनो ये कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है बस सुनते जाओ कंपनीज कंपनी दो हजार तेरह कंटेंस फोर सेवेंटी सेक्शन सब पढ़ना है हमें सब पढ़ना है बट अभी नहीं पढ़ना है अभी 148 तक पढ़ना है में 149 से जो भी 470 तक है वहां पढ़ना है, पढ़ना ठीक है अब ये सारा कैसे बटा हुआ है चैप्टर्स चैप्टर्स में, मतलब हमने जो भी पीछे नाम देखा ना वो सारे चैप्टर्स के नेम है ट्वेंटी नाइन चैप्टर्स में पूरा कंपनी हुआ है ठीक तो है तो चैप्टर वन प्रमरी है थ्री मीटिंग है ऐसे ऊपर कुछ ही चैप्टर यहाँ पढ़ने जब मैं लास्ट देखा ऑडिटर चैप्टर था ना लास्ट में हमने नोटिंग किया था बस वहीं तक हमें आईपीसी में पढ़ना है कंपनी में ऑडिटर चैप्टर तक ठीक है उसके बाद क्या पढ़ना है फाइनेंस में आ जाएगा तो एक अच्छा खासा कंपनी अच्छा हमें पूरा कवर करना है अपने ये दोनों जर्नी में आईपीसी और फाइनेंस में ठीक है तो नेम वाइज लिखा हुआ है अब सुनो अब मेन बात सुनो बहुत चीजें क्या होता है दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया कौन एक्ट बोल रहा है कौन सा एक्ट कंपनी दो हजार तेरह क्या बोल रहा है कहाँ कहा है होल ऑफ इंडिया अगर मान लो कोई बैंगलोर में कोई कंपनी इंकॉर्पोरेट हो रही है क्या उस पर के प्रोविजन लगेंगे लगेंगे जम्मू कश्मीर में हो रही है तो लगेंगे ठीक है कन्याकुमारी लेकर जम्मू कश्मीर तक अगर कोई कंपनी इनकॉपरेट हो रही है अगर ये बोलते नहीं लगने वाले तो भाई प्रेमलेडी हमारा बताता है कि तुम्हारा ये सेक्शन है सेक्शन वन ये बताता है कि ये कंपनीज एक्ट होल ऑफ इंडिया पे है मतलब तुम इंडिया में किसी भी कोना पे है ना कोई कंपनी बनाओगे ना अगर वहां पे फोर सेक्शन सारे तुम पे क्या लगने वाले एप्लीकेबल होने वाले हैं तो कोई ये नहीं बोल सकता कि हमने यहाँ पे कंपनी बनाई तो हमारे सेक्शन एप्लीकेबल है या नहीं है हमने बैंगलोर बनाई हमने मुंबई बनाई चेन्नई बनाई पटना बनाया बिहार बनाया ठीक है पक्का चलो सेक्शन सेल कम फोर्स अब देखो एक चीज बताता हूं कंपनीज एक्ट दो हजार तेरह से पहले ना एक और कंपनीज एक्ट था कोई आइडिया है 1956 तो उसको क्यों किया गया या मतलब क्यों हटाया गया उसको बहुत सारे चीजें थी जो उसमें सही से ड्राफ्ट नहीं थी मतलब आप उसमें डेफिनेशन देखोगे ना जैसे मैं ना डिक्शनरी टर्म डिफिनेशन हुआ है तो उसमें डिफिनेशन बहुत ऊपर नीचे था और बहुत चीजें ड्राफ्ट सही से नहीं थी तो उसको चेंज करके क्या किया नाइनटीन के बाद दो हजार तेरह हुआ बट अभी भी दो हजार तेरह है ना सही से ड्राफ्ट नहीं हुआ है मतलब कुछ सेक्शन आ रहे हैं और कुछ सेक्शन अभी आना बाकी है ठीक है मतलब सेक्शन कम्स इन टू फोर्स मतलब वंस मतलब एक बार मान लो दो सौ पच्चीस सेक्शन लिया आया। अब उसके रिमेनिंग सेक्शन जो है ना एंड रिमेनिंग सुनो क्या बोला मैंने क्या बोला जो सेक्शन आने थे मान मान लो लो कि कंपनीज में मैंने क्या बोला चार सौ सत्तर सेक्शन है मान लो तीन सौ सेक्शन जब कंपनी इनकॉपरेट हुई थी ना जब कंपनीज एक्ट बना था दो हजार तेरह बोल दिया तीन सौ सेक्शन गए कंपनीज में बट रिमेनिंग सेक्शन जो थे वो बोला गया कि सीजी क्या करेगी टाइम टू टाइम नोटिफाई करेगी जैसे वाइंडिंग सेक्शन तीन सौ के बाद अभी जाके आपके आईपीसी सेक्शन एक बैक पूरा आ चुके थे ठीक है फाइनेंस से बहुत सारे सेक्शन है जो तीन सौ के आगे जो सीरीज थे या मान लो ढाई सौ के जो सीरीज थे वो धीरे धीरे सेंटर में क्या करती थी ला रही थी मतलब दो में चार सेक्शन लिया पंद्रह में दस सेक्शन लिया है तो एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग नहीं आई थी ये भी ड्राफ्टिंग आई थी परफेक्ट आई थी बट एक प्रॉपर वे में नहीं आई थी बहुत सारे अभी लेने आने बाकी थे यहाँ पे ठीक है तो ये सब कुछ नहीं है ज्ञान की बातें हैं चलो चलो कंपनी क्या होता है अब मेरे को ये बताओ लॉ मैंने पूछा लॉ का आंसर आया अब कंपनी क्या होता है आ, नहीं नहीं मैं कंपनी के वो नहीं पूछा ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूछा या कंपनी का ठीक है बढ़िया चलो क्या बोला मैंने सिंपल पूछा ये कंपनी क्या है कंपनी क्या होती है तो कंपनी क्या होती है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट दिस एक्ट मतलब दो हजार तेरा तेरह मतलब मान लो कि आज आप जाके आगे जाक कोई कंपनी बनाने वाले हो तो आप नाइनटीन फिफ्टी सिक्स कंपनी एक्ट के तहत बनाओगे नहीं ना अब तो तुम जो भी कंपनी बनाओगे क्या होगा वो दो हजार तेरह के तहत बनाओगे जो भी स्पाइस फॉर्म आया फाइल किए वो कंपनीज बन गया तो कंपनी हो गया तुमने खड़ा कर कम्पनी। कम्पनी दिया कंपनी कंपनी बोल दी बट कोई ऐसी कंपनी है जो क्या जैसे मान लो कोई ऐसी कंपनी रैंस टाइप की हुई जो नाइनटीन की इंकॉपरेट है अब मान लो वो इस एक्ट में आ गए अब उसने कुछ प्रोविजन किया तो हम बोलेंगे तुम कंपनी नहीं हो तुम वही तो बोलेंगे तुम भी तो कंपनी हो ठीक है तो कंपनी को वास्त किया गया क्या बोला देखो जो इस एक्ट में बनी हो अब इस एक्ट में कौन बनेगी जो 2013 के बाद कंपनी इंकॉपरेट होगी आज जाकर तुम कंपनी खोलोगे मैं कंपनी खोलूंगा तो वो कौन सी कंपनी कहलाएगी दो हजार तेरह वाली बट मान लो रिलायंस कंपनी इसने कुछ मान लो सेक्शन सेक्शन थर्टी टू का उल्लंघन किया अब बोले ये बोल दिया कि मेरे पास तो ये एक्ट लगता ही नहीं है तो हमने कब बोला नहीं लगता है हमने तो लिखा ना कंपनीज अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ डेट इज नाइनटीन फिफ्टी सिक्स या उससे पहले भी जो होगी अपनी ठीक है तो याद नाइनटीन सिक्स तो नाइनटीन सिक्स एक्ट के तहत कोई कंपनी बनी होगी अब उसने कुछ कॉन्ट्रोव्यूल किया तो ये नहीं बोल सकते तुम कंपनी नहीं हो डिफिन तो क्या होती है दो हजार तेरह वाली कंपनी भी और नाइनटीन फिफ्टी सिक्स वाली कंपनी भी दोनों क्या हुई कंपनी आ गई मतलब दोनों कंपनी ने कुछ भी गलत किया तो भैया फोर सेवेंटी का प्रोविजन तुम पे सारा लगने वाला है चलो अब एक इंपॉर्टेंट बात देखो, भी डिस्कस करते जाऊंगा ठीक है अब कोई कंपनी बनती है मान लो कि स्पेशल बॉडी बनाती है स्पेशल एक्ट के तहत मान लो आर डी ए आई कोई पता है आरडीआई क्या होता है क्या बताओ इंश्योरेंस वाली जो कंपनी तो एक्ट के तहत बनती है ठीक है तो मान लो कोई स्पेशल एक्ट अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझना क्वेश्चन आते हैं यहां से अब कोई स्पेशल एक्ट से कंपनी बनी है जैसे ठीक है तो अब वो कंपनी बनी है अब वो स्पेशल एक्ट मतलब से बनी है अब क्या उस पर के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे हुँ? होंगे पक्का होंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बनी है कंपनी तो होंगे okay. होंगे पक्का होंगे? Yeah. अब मैं एक क्वेश्चन आ रहा है बार आना चाहिए तुम्हारा ठीक है, इस है डिपॉजिट देगी फिफ्टी लाख का सुनते जाओ वो ओ पास करेगी क्या पास करेगी ओ आर क्या होता है मेजोरिटी रिविजन करते जाओ रिटेन हो जाएगा मतलब 50 लाख का डिपॉजिट क्या लेगी लेगी 50 लाख का तो वो कंपनी क्या क्या बैंकिंग पास पास करेगी करेगी ओआर मतलब मतलब कुछ 50 लाख मान लो ये 50 करोड़ मान लो जो भी एग्जांपल है ओआर पास करेगी अब सेम बोल दिया कंपनीज एक्ट में कि अगर डिपॉजिट ली मतलब डिस्प्यूट आ रहा है कंपनीज एक्ट में मान लो लिखा हुआ सेक्शन थर्टी में बैंकिंग एक्ट के लिए अगर डिपोजिट लिया कंपनी ने बैंकिंग कंपनी ने फिफ्टी लाख का तो ऐसा पास होगा आप किसकी सुनोगे बैंकिंग क्यों ठीक है तो ये तो एक बात याद रखना हाँ एक बात याद रखना क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आते हैं तो क्वेश्चन वे भी लेते चलना अगर दो कोई स्पेशल एक्ट के तहत कोई कंपनी बनी हुई है अगर कोई क्लैश आता है दोनों के बीच में तो हम किसकी सुनेंगे स्पेशल एक्ट के तहत वाली की हम कंपनी से जाकर बोलेंगे तो रुक जा क्योंकि स्पेशल एक्ट इसके लिए बना हुआ है जहां क्लैश नहीं आया वहां कंपनी सेक्ट हमें चल सकता है वहां पर ठीक है तो क्लैश हमेशा याद रखना क्लेश के टाइम पे कहा सुनना है हमें स्पेशल एक्ट वाला चलो तो उसकी लाइन क्या है लॉ में सुनो उसकी लाइन ये है देखो तो समझने को समझ आते है, थोड़ी लॉ की लाइन पर देखते चलना सर लॉ की लाइन पूरी लिखनी है एग्जाम में नहीं पूरी नहीं लिखनी है लॉ की लाइन कि मतलब कि पूरा लम कॉपी पेस्ट लगता है कोई कर पाएगा लेकिन कुछ वर्डिंग लॉ की लिखनी है अब ऑर्डिनरी आपको लिखना पड़ेगा अब ये नहीं लिख सकते कि मान लो फिफ्टी परसेंट एक्सीडिंग वोटिंग राइट लिख दिया आपने बट वो वर्ड आनी चाहिए क्या वो वर्ड और लॉ की ड्राफ्टिंग याद रखना कहीं भी आंसर लिखो ना आईपीसीसी डेज में बंदा चेक करने वाले को पता नहीं है वो लॉ पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है उसको भी नहीं आइडिया होता है लॉ में क्या चेक कर रहा है उसके पास क्या आता है सजेस्टेड आंसर ठीक है अब वो मिलेगा मैचिंग करेगा तो नंबर देगा नहीं मिलेगा तुम्हें काट देगा नंबर बहुत तेज काटता मतलब क्या बोलो ऐसे ऐसे तुम्हें देखने मिलेगा चार चार पेज तुम्हें ऐसे ऐसे दिखने मिलेगा मिलेगा ही नंबर तो ऐसा नंबर मैं कॉपी शेयर कर दूंगा तुम्हारे से अपनी कॉपी ठीक है तो ऐसे नंबर काटता है वो तुम्हें देगा ही नंबर मतलब उसके पास सजेस्टेड आंसर आया और उसका आंसर वो आया वो पक्का ऐसे चार पेज तो मेरे ऐसे ही कहते हैं चार पेज में को यही देखना मिला मेरे को टिक कहां लगा कहीं लगा हुआ है चार पेज में को ऐसा ही देखना मिला था लाइन से चार पेज मेरा इतना बर्बाद करके बीस पच्चीस मिनट मैंने इस पर ठीक है तो याद रखना लॉ में लिखने समय भी तुम्हें यह सब करना पड़ेगा अंडरलाइन नहीं करोगे अंडरलाइन उसको कीवर्ड नहीं मिलेगा तो ओवर पास कर रहे हो तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कि हाँ ऑर्डिनरी रेजुलेशन पूरा वर्ड लिखना शॉर्टकट मत लिख के आना लॉ के एग्जाम में सबसे बड़ा ब्लंडर होता है शॉर्टकट ठीक है शॉर्टकट लिख के मत आना चलो बिल्कुल नहीं लॉ के एग्जाम में मजा मत मजे मत लेना उससे ना तो वो तुम्हें मजे ले लेगा नंबर काट के ठीक है चलो अब क्या लिखा है सुनो इंश्योरेंस कंपनी मतलब ये एक्ट अप्लाई होता है इंश्योरेंस कंपनी भी एक्सेप्ट मतलब दिस एक्ट अप्लाई टू इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेट प्रोविजंस आर 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 अब यहां मेन वर्ड आएगा इनकंसिस्टेंट ठीक है मतलब जब दो जगह क्लैश हो ना तब कहां पे हमें क्या अप्लाई करना है अब देखो एक एक चीज सुनो अब तुम्हें ये वर्डिंग चलिए मैंने वर्डिंग वर्डिंग लिख दिया ठीक है अब ये पहले बंदा पड़ेगा ना समझने में उसको दस मिनट लग जाएगा ये क्या लिखा है इंश्योरेंस कंपनी दिस एक्ट अप्लाई टू इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट इन सो फार एज द ऑन द सेट प्रोविजन द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट ये समझने में दस मिनट लग जाता है तो इसका सिंपल एक क्रक्स क्या निकला कि जहां भी क्लैश हुआ

ठीक है हमें क्या पता कौन सा एक्ट स्पेशल बना नहीं बनाया तो आपको एग्जामिनर ये ये क्वेश्चन आपको हिंट देगा कि हाँ ये जो बैंकिंग कंपनी है, या ये जो है, या जो है ये कैसे है स्पेशल एक्ट के तहत अब दो क्लेश आगे किसको फॉलो करना हमें स्पेशल एक्ट को ठीक है चलो थोड़ा कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं हम लोग ठीक है एबीसी लिमिटेड वॉस अब देखो ये चेक मेरा कुछ अपना नहीं है ठीक है मैंने स्टडी मैट ही निकाल दिया है क्योंकि मेरा मानना है और जितना मैं पढ़ाया था और जितना मैं खुद भी पढ़ाऊँ स्टडी मैट कर लोगे ना तो अगर तुम एक बार में पास करने से कोई नहीं हो सकता मैं गारंटी बोलता हूँ उसके नहीं पास किया तो मेरे को आगे बताना स्टडी मैट क्या होता है बाइबल कुरान जो बोलना उसको जो बोलना बोलो गीता होता जो बोलना उटडी मैट ही आपका सब कुछ है ठीक है स्टडी मैट अभी फोकस करो आप जगह सीनियर्स के इंटरव्यू देख लो रैंकर्स का इंटरव्यू देख लो जिसका इंटरव्यू देखना देख लो उसने क्या बोला थ्यूरी पेपर के लिए मैं थ्यूरी पेपर के स्पेसिफिक बोल रहा हूँ स्टडी मैट बहुत सारे लोग चेंजेस करेंगे बट मैं नो, आ, अपने नोट्स बनाऊंगा ना तो मैं स्टडी मैट लेके बैठता हूँ मैं स्टडी मैट लेकर घूमता हूँ अपने फाइनल्स के जो भी है मैं स्टडी मैट को ही फॉलो करता हूँ तो मैंने कोई फाइनल्स में स्पेशल क्लास नहीं लिया किसी का भी हमारा आई डेज में स्टडी मैट को फॉलो करो आराम से हो सकता है स्टडी मैट से भी ठीक है और स्टडी मैट लेकिन हाँ कुछ वर्डिंग ऐसा है कि आपको दिक्कत देगी जैसे ओ पास करना एसर पास करना ये सबको जानना होगा कैसे क्या होता है तो ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग में आपको समझाते चलूंगा सब कुछ बेसिक्स समझाते चलूंगा चलो ठीक है कंसेप्ट चेक करते हैं एबीसी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड सेक्शन अपलाइज ऑन इट ठीक है so तो यह सारे देखो ये सब कंसेप्ट चेक है चेक कर, करते चलना की आपका क्लियर हो रहा है कि हो रहा है तो क्वेश्चन आएगा कि ऐसा की ऐसा क्वेश्चन और ये स्टडीमेट के क्वेश्चन ठीक है देख लेना तो ऐसा क्वेश्चन है कि ए बीसी लिमिटेड कंपनी है इंकॉपरेट हुई है तो क्या सेक्शन अप्लाई होंगे कंपनीज एक्ट के ये और नो

स्पेशल कंपनी में डिस्प्यूट हुआ पेसा 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 तो स्पेशल सुने ठीक है तो ये सारे आप देखना ना स्टडी स्टीम के मैंने सारे गो थ्रू करते कर समझा चलूंगा अच्छे से कवर हो जाएगा आपका स्टडी स्टीडीमेट विद एग्जांपल्स और क्वेश्चन भी चलोगे चलोगा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा आपको एग्जाम्पल या क्वेश्चन के लिए ठीक है ये क्वेश्चन क्या स्टडी के क्वेश्चन थे और आ जाते हैं दो नंबर एग्जाम में अब जिसको पता होगा हाँ नाइनटीन फिफ्टी सिक्स तो लिखने तो आ जाता है बट एक आइडिया होना चाहिए क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में अब सुनो अब दूसरा वर्ड अब डेफिनेशन लेके चलते हैं ठीक है डेफिनेशन मैंने बता दिया इसको क्लॉज पढ़ते हैं ठीक है तो हर डेफिनेशन के आगे इतना याद मत रखना बट डेफिनेशन मतलब क्या होते हैं अब एक वर्ड आता है डिफिनेशन में अल्ट्रेशन अल्ट्रेशन मतलब क्या होता है जैसे क्लोथ के साथ चेंज अल्टर करते हैं हम ठीक है तो अल्ट्रेशन मतलब क्या होता है चेंजेस ठीक है मैं दो वर्ड बोलूंगा अगर आता हो तो बताना नहीं हो, तो नहीं बताना एओए एंड एमओए डिफरेंस क्या है देखो जो एओए होता है ना

कंपनी में 50 करोड़ से ऊपर का लोन पास करना है है तो तो कंपनी 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 में पास पास करना करना 50 कर से का ऊपर लोन लेना तो को पास करना होगा कंपनी ने नहीं अच्छा लग लगा कंपनी ने बाद में उसको ओवर को एसर कर दिया तो ये यहाँ पे इसमें जो अल्ट्रेशन करते हैं ना में एल्टन मतलब चेंजेस अब चेंजेस दो टाइप के होते हैं या तो आप एडिशन कर सकते हो घटा भी सकते हो मान लो कुछ लिखा कि दस डायरेक्टर का आपको परमिशन चाहिए ये लोन पास करने के लिए मान लो दस डायरेक्टर बड़ा लग रहा है तो उसको के अब एट कर दूं। तो अल्ट्रेशन मतलब ये मत समझना कि सिर्फ क्या होता है सिर्फ आ, चेंजेस करना होता है एडिशन करना भी होता है मोडिफाई करना होता है सब कुछ हटाना भी होता है ठीक है तो सब्स्यूशन मतलब कुछ इंसर्ट करना ठीक है और एडिशन करना ठीक है चलो हमने स्पेशल समझ लिया डायरेक्टर क्या होता है जो डिसीजन मेकिंग करता है कंपनी को मैनेज करता है डायरेक्ट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी होते हैं मैनेज करते हैं ओनर्स uh, क्या होते हैं ओनर ऑफ द कंपनी चलो परफेक्ट अब एक वर्ड आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब यहां से क्वेश्चन आया था एग्जाम में ठीक है दिखने को लग रहा है बहुत सिंपल चीज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट क्या क्वेश्चन आया था मैं आपको बताऊंगा ठीक है क्या क्वेश्चन आया था सुनो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है दिमाग सुनकर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ कंपनी क्या होता है या ऑफ ए कंपनी के फाने... और सीए वाले हो बताओ थोड़ा फाउंडेशन अकाउंट्स पढ़ के हो और चलो तो ठीक है सुनो एग्जाम में थ्री नंबर का क्वेश्चन इस पे आया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अब इसके अंदर अब देखो से सुनो मान लो सेक्शन में ये लिखा हुआ है क्या ये सेक्शन बातें पत्थर की लकीर होती है

ऊपर बात कोई नीचे मना कर रहा तो ये आगे पढ़ेंगे अच्छे से अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है इसको देखते बताओ देखो फिक्स पार्ट है बट इसमें एक एमसीक्यू चेक करेंगे भी भी चेक करते चलेंगे एक एक आता है इससे इससे क्वेश्चन तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है सुनो मैंने क्या लिखा इंक्लूड्स अब इंक्लूड्स मीन समझ आ गया आपको पहले से पता ही है कि मतलब इसके अंदर तो और बातें आ सकती है ठीक है तो इंक्लूड्स क्या क्या है सुनो बैलेंस शीट

इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो ये ये सब क्या है ना ये सब एमसीक्यू चेक है ठीक है एमसीक्यू चेक करते चलेंगे कवर मान लो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है जो कंपनी कंपनी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो मान लो है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ठीक है फॉर द फाइनेंशियल ईयर ठीक है प्रीवियस नहीं बोला हो इस फाइनेंशियल के मैं इस फाइनेंशियल की बात कर रहा करूं तो इसी फाइनेंशियल की ठीक है सी में क्या आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक है ये सारे क्या है ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट है अभी कैश फ्लो है ना इसको होल्ड रखना इसमें बहुत बड़ा गेम है ठीक है कैश फ्लो से बहुत बड़ा गेम है क्वेश्चन आता है यहाँ पे प्रोवाइडेड करके लिखा हुआ देखो ये क्या ये क्या सेक्शन की बात है क्लॉज की बात है टू क्लॉज ऐसे फाइनेंस में लिख दिया इसमें ऐसे ऐसे डेफिनेशन क्लॉज याद मत करना याद होता भी नहीं जाती अब फाइनेंशियल ने बता दिया कि हाँ बैलेंस शीट आता है प्रॉफिट एंड लॉस आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है ये सारे इंक्लूड्स बता रहा है अब नीचे आपको ना प्रोवाइडेड देगा सुनते रहना कैश फ्लो देख लिया हमने और क्या देखा हमने ये क्या होता है पता है आपको इसको हम लोग फाइनेंस में आगे बोलना या अभी बोलना सोकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो भी इक्विटी के पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं बाई ब कर लिया आपने शेयर कर दिया मान लो आज इक्विटी आपने स्टार्ट किया एक, एक लाख से कल कला कुछ बाई बैक कर लिया मान लो इशू कर दिया तो एक लाख से बीस लाख हो गया तो कोई भी इक्विटी का चेंजेस होता है ना तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी का कॉलम बनता है ये भी हमारा फाइनेंस स्टेटमेंट का क्या होता है पार्ट होता है ठीक है तो चार चीज हमने देखी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस सोकी और कैश फ्लो स्टेटमेंट अब देखो सारा मजा यहां पे आने वाला है एमसीक्यू ठीक है अब जहां एमसीक्यू क्यू लिखेंगे यहां पे दिमाग लगाना सुनो वन पर्सन कंपनी ठीक है जो लिखवा रहा हूँ याद रखना गवर्नमेंट कंपनी अभी सब बताऊंगा क्या 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 होता है ठीक है और प्राइवेट कंपनी जो क्या है स्टार्टअप है ठीक है अब देखो यहाँ पे एमसीक्यू सी क्यू चेक आएगा मतलब सुनो इस वन पर्सन कंपनी क्या होता है एक आइडिया बताओ एक आदमी जो मिलकर बनाए वो वन पर्सन कंपनी ठीक है गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है ठीक है मान लो ये मान लो ये दो दोस्त है ठीक है ये चाह रहे हैं मान लो दो हजार उन्नीस चल रहा है इन दोनों चल रहे दो अभी हम फ्री है एक काम करते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देते हैं जो कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए है अभी वो कुछ नहीं करने वाली है इनएक्टिव है कंपनी जिसमें नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या होते हैं सेल परचेज वाले कंपनी की आरओसी फीस पे कर रहे हो तो वो चल सकता है वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होता आरओसी फीस पे करना रेंट पे करना ये तो हमारा नॉर्मल बिजनेस है बट कंपनी क्या कर रही है कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर रही है दो दोस्त ने बोला कि काम करते दो हजार उन्नीस में कंपनी में आ देते हम अभी फ्री है ठीक है दो साल बाद हम बिजी होने वाले हैं उस, उस समय बिजी होंगे कंपनी इंकॉपरेट में टाइम लगता है यार आ, स्पाइस फॉर्म फाइल करो सीए को ढूंढो ये ढूंढो वो ढूंढो ठीक है इसने क्या किया आज एक कंपनी इंकॉपरेट कर दिया कब के लिए क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए आज कुछ है इस कंपनी में कुछ नहीं है अभी कंपनी खोख कंपनी है ठीक है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए तो ये कंपनी क्या कहलाती है डॉमिन कंपनी बट ये बोल दे कि हाँ ये डब्बी कंपनी है और इसके अंदर क्या कर रहा है ये भाई साइड साइड से ना 50 50 लाख के सेल परचेस कर रहा है क्या डॉमेट बनेगी नहीं फिर वो एक्टिव कंपनी कहलाती है तो याद रखना डॉर्नमेंट ये नहीं होता है कि फ्यूचर फ्यूचर प्रोजेक्ट लिए वो कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन भी नहीं होनी चाहिए ठीक है तो ये क्या होती है डॉनमेंट कंपनी तो ओपीसी कंपनी डॉर्मेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी मतलब जिसमें मिनिमम दो मेंबर्स और मैक्सिमम दो सौ मेंबर्स ठीक है ये सब होता है अभी प्राइवेट कंपनी भी देखेंगे हम लोग और वो प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है स्टार्टअप मतलब ये आपको नहीं जानना है ये सीजी डिफाइन करती है इसका टर्नओवर प्रीवियस में ये हो जो इनोवेशन के लिए आई कंपनी ठीक है अब आज आजकल बहुत स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं ठीक है अभी का शो आया सब स्टार्टअप ही चल रहे हैं ठीक है तो ये सारी कंपनी बोला है ना आप क्या करोगे सुनो ये इंपॉर्टेंट है ये एमसी क्योंकि याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी आ सकता है सुनो सी एफ कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना यह आप इंक्लूड नहीं भी कर सकते हो ठीक है मतलब यहां प्रोवाइडेड बोल दिया प्रोवाइडेड दैट ओपीसी स्मॉल कंपनी डॉनमेंट कंपनी स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी मे नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि चार ऑप्शन दे दे कि ये तीन कंपनी है इसमें कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेगा तो याद रखना कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो एमसीक्यू हम लोग कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू कंसेप्ट होते हैं अब एमसीक्यू आप कोई बुक ले ली है और दिन भर के लगाया जा रहे हो तो यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हम कि आप या मान लो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का नहीं कर रहे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे यहाँ पर एमसीक्यू अपने वीडियोस में बोलता हूँ फाइनेंस वाले के कि मेरे भी एमसीक्यू में ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन आए हुए लेकिन हम यूपीएससी प्रिपरेशन नहीं कर रहे यार कि आप एमसीक्यू रिटेन कर लोगे गस दिन आपको याद रहने वाला है वो करंट अफेयर्स नहीं याद कर रहे हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो कंसेप्ट क्लियर कैसे होगा ऐसे ही करते होगा आप किसी की एमसीक्यू बुक ले लो सौज के डेट पेज पे यूट्यूब में वीडियो रखा है अब दिन में बैठ के उस एमसीक्यू टिक मारे जा रहे हो तो वो बेकार है फिर तो फिर आप कंसेप्ट क्लियर करोगे आपको ये याद रहेगा कि सी एफ एस किसने इंक्लूड कर सकते मैं लिखा है मैंडेटरी नहीं है कि आप इंक्लूड नहीं करोगे मैं मतलब चाहो तो आप स्टेटमेंट में वो सीएफएस नहीं ले सकते हो किस किस कंपनी में ओपीसी गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है चलो ऐसा कुछ नहीं क्योंकि क्यों क्यों मैं कैश क्यों कैश्लो ही नहीं मैंने क्या बोला इनएक्टिव सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होती है अब इसमें अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होती है उसमें कैश फ्लो होगा ही नहीं कैश फ्लो मतलब क्या होता है कैश का लेन देन तो जब गवर्नमेंट कंपनी बनी हुई है ओपीसी कंपनी के लिए ओपीसी कंपनी का लॉजिक कुछ नहीं है जबरदस्ती घुसाया है इसके अंदर ठीक है गवर्नमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी ठीक है तो ऐसा कोई स्टार्टअप लिए बोला गया आप ज्यादा ऑब्लिगेशन मत करो अपने पी एन बनाओ फाइनल बैलेंस शीट बनाओ इसको इंक्लूड कर सकते हो ठीक है एक और एड कर देना इसमें एक और एड कर देना स्मॉल कंपनी भी है ठीक है तो चार लोग याद रखना एमसी क्यू पक्का आ सकता है इस इसपे तो हम सब कुछ कवर चलेंगे एमसीक्यू लेके करेंगे क्वेश्चन चेक करेंगे और सबको एक एक करके चेक करेंगे ठीक है और इसको बार बार डिविजन करके रिटेन करेंगे दिमाग में इंपॉर्टेंट क्या है याद करना रिटेन करना स्टोर करना लॉक करना ये चारों चीज हो जाएगा दिमाग में तो लॉ का पेपर इज्ली हो जाता है लॉ का पेपर थोड़ा आपको लगना चालू होगा टाइप नहीं है थोड़ा लंबा लंबा चलेगा चीज तो ये सब क्या होता है लॉ का पेपर क्या बोला पहला डिविजन बीस दिन दस दिन पांच दिन लास्ट के वन पॉइंट फाइव डेज आपको एक प्रॉपर होनी चाहिए आपके साथ चलो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है एग्जाम में इस बार का क्वेश्चन था फाइनेंशियल ईयर पूछ दिया एग्जाम में तीन नंबर पे पूछ दिया लॉ के एग्जाम में अब बताओ फाइनेंशियल ईयर क्या होता है फर्स्ट अप्रैल थर्टी फर्स्ट ठीक है एग्जाम में तीन नंबर क्वेश्चन पूछ दिया अब तीन नंबर क्वेश्चन ये लिख क्या तो आपको क्या लगता है एक्साम को तीन नंबर देगा कि फाइनेंशियल एक अप्रैल से लेके इक्कीस मार्च तक आप लिख दिए कि हाँ फाइनेंशियल हो गया बस एक दो लाइन यहाँ पे हुआ एग्जाम से आपको ये तीन नंबर दिया बड़े बड़े अक्षरों में ये यह आपको यहाँ पे देगा पता कितना जीरो पॉइंट फाइव मार्क्स या एक मार्क्स भी मुश्किल से दे देगा आपको सच बता रहा हूँ फाइनल कॉपी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा आप देख लेना बट ज्यादा फैलाना हमें ठीक है ऐसे नंबर देता है बहुत गंदे तरीके से नंबर काटता है तो कंटेंट मांगता ये नहीं लिखता कि आप कंसाई लिखो बट थोड़ा तो लिखो कम से कम फाइनेंशियल क्या होता है अब देखो फाइनेंशियल क्या होता है सही बोला आपने कि जो इंडेड हो इकतीस मार्च को ठीक है स्टार्टिंग कुछ नहीं बोला क्या बोला जो इंडेड हो इकतीस मार्च को होता है. अब सुनो। 1956 एक्ट में कंपनी ये सारा प्रोविजन हम क्या है हमने डिफिनेशन पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफिनेशन देखा हमने अब हम देख रहे फाइनेंशियल ईयर के डिफिनेशन सारे कंपनीज एक्ट दो वाले हैं अब मान लो 1956 एक्ट में ऐसा कुछ फाइनेंशियल ईयर का डिफिनेशन नहीं था तो मतलब कंपनी एक जनवरी से लेके 31 दिसंबर भी फाइनेंशियल ईयर मानती थी मान लो एक जून से लेके 31 मई भी फाइनेंशियल ईयर मानती थी अब क्या तो ये नई कंपनी एक्ट में यही चलेगा तो बताओ क्या करना पड़ेगा ठीक है सुनो 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 फाइनेंशियल याद रखना एक अप्रैल से लेकर इकतीस मार्च वाला ही होता है बट आपको इतना लिख के नहीं आना है अब एग्जामिनर आपको ये भी पूछेगा कि कंपनी नाइनटीन की सिक्स इनकॉपरेट है और कंपनी का ऐसे ऐसे फाइनेंशियल चलता है मान लो कोई भी डेट दे, दे सकती है एक जून से लेकर इकतीस मई दे दिया तो क्या करना पड़ेगा तो कंपनी को बोला जाता है कि भाई टाइम ले लो तुम क्या ले लो टाइम ले लो कितना टाइम ले लो दो, दो साल मतलब सुनो एक्ट दो है दो एक्ट आई तुम फाइनेंशियल क्या फॉलो करते थे एक जनवरी से लेकर इकतीस दिसंबर तो बोला एक काम करो कोई दिक्कत नहीं है हरने की बात नहीं है तुम दो साल का टाइम ले लो बट दो साल में क्या करो अपने गाड़ी को ट्रैक पे लिया क्योंकि फाइनेंशियल चेंज करना आसान बात नहीं है उसके सारे बैलेंस शीट पी एंड एल उसका सारा सॉफ्टवेयर टैली वैली सब कुछ एक फाइनेंशियल के तहत बना हुआ था तो इसको बोल दिया कि दो हजार एक्ट आने के बाद आपके पास कितना टाइम है दो साल मान लो दो हजार एक्ट आया बोला कि दो और दो यहां तक ले लो टाइम दो साल के अंदर क्या करो तुमने फाइनेंशियल को एक अप्रैल से जून से लेके इक्कीस मई हो क्या बोल दिया तुम वापस क्या हो गया नॉर्मल कंपनीज एक्ट के प्रोविजन क्योंकि हम डिफिनेशन कंपनीज एक्ट दो हज़ार तेरह में पढ़ रहे हैं तो कंपनीज एक्ट दो हज़ार तेरह में डिफिनेशन में आना है तो तुम्हें कितना साल में दो साल में अपने गाड़ी को क्या ला है ट्रैक पे लाना है तो दो साल के अंदर क्या करो तुमने को चेंज करके एक अप्रैल से लेकर इकतीस मार्च कर दो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी अब इफ प्रोवाइडेड करके और लाया गया तो ये लॉ मजा यही आता है कि ऊपर तो सिंपल से लिख दिया फाइनेंशियल मतलब अप्रैल से इकतीस मार्च दो ऐसे करके सेकंड क्या बोल दिया कोई कंपनी पुराने एक्ट में इंकॉपरेट हुई है तो उसके लिए फाइनेंशियल क्या होगा वो भले अपना फाइनेंशियल फॉलो जो कर रही है बट तुम्हें मैक्सिमम दो साल का टाइम दिया कि दो साल में अपने गाड़ी को ट्रैक पर लिया और एक अप्रैल से लेकर इकतीस मार्च का फाइनेंशियल फॉलो करो अब सुनो ये इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है अब यह है मान लो क्या लिखा मैंने अल हबीबी लिमिटेड ठीक है दुबई की कंपनी है क्या है दुबई की कंपनी है परफेक्ट दुबई कंपनी है अब ये दुबई की कंपनी है इसने पैसा लगाया इंडिया कंपनी पे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ठीक है अब ये दुबई कंपनी क्या बन होल्डिंग सब्सिडी पता है किसी को कैसे होती है चलो ये भी चेक करते हैं थोड़ा होल्डिंग कब होती है कंपनी किसी कंपनी की देखो दो कंडीशंस है बताओ दो कंडीशन क्या क्या है कंपोजिशन मतलब तो मेजोरिटी बोर्ड डायरेक्टर या कितनी बोर्ड डायरेक्टर मेजोरिटी याद रखना अगर दस बोर्ड डायरेक्टर किसी कंपनी में है उसमें छह बोर्ड डायरेक्टर को तुम अपना अधिकार अधिकार जमाते हो तो तुम उस कंपनी के होल्डिंग बन सकते हो इसको आगे बोलते हैं डू फैक्टो कंट्रोल पता है फाइनल्स में में इसको या आईपीसी बोर्ड होगा फैक्टो कंट्रोल मतलब इनडायरेक्ट कंट्रोल ठीक है एक होता है डायरेक्ट कंट्रोल मतलब किसी कंपनी में हम फिफ्टी परसेंट से ऊपर वोटिंग पावर या पेटअप से बेटा होल्ड कर लिए तो वो हमारी बन गई सब्सिडी कंपनी बट मान लो फिफ्टी परसेंट नहीं किया हमने हमने उस कंपनी के ग्यारह डायरेक्टर्स को छह डायरेक्टर्स को अपने कब्जे में कर लिया मतलब वो छह डायरेक्टर हटाना है अपॉइंट करना है हमें कंपनी से नहीं पूछना है। मतलब वो हमारे करपुतली बनती नहीं और करपुतली बन चुकी है तो वो छह जैसे मेजोरिट हुआ हम क्या वक्त कंपनी के होल्डिंग हो गए तो होल्डिंग कभी भी डायरेक्ट पैसा से नहीं आ सकता है इनडायरेक्ट भी आ सकता है ठीक है अब सुनो एबीसी लिमिटेड कंपनी ये कंपनी दिल्ली में ठीक है मयूर विहार की कंपनी थी ठीक है ये कहां थी दुबई की अब इस कंपनी ने इस पर यह कंपनी बन गई इसकी सब्सिडी सब्सिडी कैसे बनती है जब इसका फिफ्टी परसेंट से ज्यादा हो और मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सुनते एग्जाम्पल सुनते जाओ ठीक है अब ये बाहरी कंपनी अभी अपना फाइनेंशियल फॉलो कर रही है एक जनवरी से लेके इकतीस दिसंबर वाला अब ये हमें पता है कि होल्डिंग कंपनी को अपना सी बनाना होता है कुछ आइडिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब एक जगह करके सी एफ एस बनाना होता है।, कैसे बनता है कुछ नहीं होता है तो ये फिफ्टी हो गया सी एफ एस ठीक है तो मर्ज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो ये, ये क्या बनाएगी ये बनाएगी अपनी सीएफएस अब ये सीएफएस बनाएगी अब ये फाइनेंशियल कौन सा फॉलो कर रही है एक जनवरी से लेके इकतीस दिसंबर जो भी है अब भाई कंपनीज एक्ट इस पर नहीं लग रहा ये तो बाहर वाली है ठीक है अब बाहर वाली इनकॉपोरेट अंडर दिस एक्ट दो वाला दो हज़ार वाला, वाला और एनी प्रीवियस एक्ट नाइन वाला तो ये इंडियन कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर बाहर है तो इंडिया कंपनी हुई नहीं है तो, तो इंडियन सेक्शन इंडियन कंपनी पे लगेंगे सारे अभी तो बाहर कंपनी है अब इस पर फाइनेंशियल प्रोविजन लगेगा नहीं लगेगा अब ये उसकी क्या हो गई सब्सिडी हो गई अब भाई इसको बनाना अपना सीएफएस अब इसको बनाना अपना नॉर्मल अपना सिंगल अकाउंट जो बनाना पड़ता है इसको ये बनाना पड़ता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब ये फाइनेंशियल कौन सा फॉलो करेंगे तो करेगी इकतीस वाला करेगी देखो सुनो प्रोवाइडेड करके बोला गया सुनो जो ये सब हाँ प्रोवाइडेड बोला प्रोवाइडेड मजे लेता है सेक्शंस के सेक्शन की, की बातों को काटता है सेक्शन की पत्थर की लकीर होती है उसको बोलता है रुक नीचे आ नीचे मेरे से पूछ के जाना ठीक है तो ये प्रोवाइडेड पूछे जाता है मतलब अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है किसी होल्डिंग कंपनी की मतलब ये वाली ये वाली तो ये चाहे तो इसका फाइनेंशियल फॉलो कर सकती है ठीक है कौन सी ये वाली ये अपनी अपनी इंडिया वाली सब्सिडी इंडिया वाली ये क्या कर सकती है फॉरेन वाला फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकती है शर्त क्या है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से ठीक है तो देखो मजे लिया है इसने लॉ में प्रोवाइडेड बोल बोल के फाइनेंशियल देखो बहुत छोटा छोटी डेफिनेशन है बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट क्वेश्चन आते हैं ना तो मजे लेके चले जाते हैं क्या बोला? एक अप्रैल से लेके इकतीस मार्च फॉलो कर रही है उसके पास दो साल का टाइम है अपने गाड़ी को ट्रैक पे लिया और दो साल में क्या करो फाइनेंशियल को चेंज, चेंज करके जो एक्ट वाला है सेक्शन वाला है उसको कर दो मतलब एक अप्रैल से इकतीस मार्च वाला और क्या बोल दिया सब्सिडी कंपनी जो बाहर वाली कंपनी है क्योंकि ये कंपनी में तो लगेगा ही नहीं ना ये तो इनकॉर्पोरेट बाहर हुई है हमने पढ़ा है कि कंपनी से किस पे लगता है जो 2013 हजार तेरह में इंकॉपरेटिव हुई है और प्रीवियस लॉ में हुई है ये तो भाई बाहर हुई है अभी अपना फाइनेंशियल मान लो कि एक दिसंबर जो भी फॉलो कर रही है इसकी सब्सिडी है सब्सिडी को बोल दिया गया क्योंकि अगर ये अपना फाइनेंशियर मान लो सुनो क्यों बोला गया बताता हूँ मान लो ये अपना फाइनेंशियल फॉलो की एक अप्रैल से लेकर इकतीस मार्च और इसको अपना सी बनाना है तो ये सी कब बनाएगी इसी से तो फाइनेंशियल फिगर लेकर सी बनाएगी अब सोचो इसका फाइनेंशियल ईयर ये है इसका फाइनेंशियल ये है दोनों ऊपर नीचे है तो सी एफ से बन पाएगी तो इसलिए इनको बोला गया इनको बोला गया कि आप अपना फाइनेंशियल जो चाहे रख सकते हो जो फॉरन कंपनी वाला है बट क्या करो बीच में बॉर्डर आ रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लो ठीक है उसके बाद क्या करो अपना फाइनेंशियल जो फॉलो करना है अपना फॉलो कर सकते हो सॉफ्टवेयर बनाना जल्दी होता है हम ए एस फॉलो करते हैं इंडियस फॉलो करते हैं गैप प्रोविज़न होता है कंट्री वाइज रेट होता है आज इस फाइनेंशियल में इस आज कंट्री का रेट एक, एक डॉलर का ये हो गया इस फाइनेंशियल का इस मान लो कि फाइनेंशियल चल रहा है उसका फाइनेंशियल अलग है हमारा फाइनेंशियल अलग है हमारे डेट पे रेट डॉलर का ये हो गया उसके पे डेट पर डॉलर का रेट ये हो गया तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट आने वाले हैं हम सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर स्पीड करने के लिए बट काम तो मैनअली होगा ना सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक थोड़ी रोबोट चलाएगा हम ही तो बैठ के चलाएंगे प्रोफेशनली चलाएंगे बैठ के बट एक प्रॉपर होना चाहिए ना दोनों दोनों क्या होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए अगर एक फाइनेंशियल इसका यहाँ पे है और एक फाइनेंशियल ये फॉलो कर रहा है दोनों क्या है अनबैलेंस है अब अनबैलेंस है तो सी एफ एस कहाँ से बन पाएगा ठीक है तो सीएफएस को प्रॉपर करने के लिए फाइनेंशियल रियर कोई भी हो सकता है बट सीजी का क्या लेना होगा अप्रूवल लेना होगा क्यों जा रहे हैं क्योंकि इंटर बॉर्डर हो रहा है दूसरी कंट्री है इसी कंट्री एक, एक याद करनी टेक्निक है कि दो बॉर्डर आ रहे हैं बीच में तो सेंटर को बोलता है मोदी मोदी से पूछो कि हाँ हम फाइनेंशियल रेयर ये फॉलो कर रहे हैं चलो अब एक डिफिनेशन और लूंगा ज्यादा लंबा क्लास नहीं करूंगा लास्ट ठीक है गवर्नमेंट कंपनी मेरे अंदाज से इस बार का एग्जामिनेशन में आने का क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए क्यों यहां पे हुआ है अमेंडमेंट अब देखो एनालिसिस मानो ना मानो थोड़ा एनालिसिस टच टूट अच्छा है मेरा बट ठीक है स्मॉल कंपनी ओपीसी कंपनी प्राइवेट कंपनी ये सारा टेस्ट हो चुका है गवर्नमेंट कंपनी अभी टक्ट टेस्ट नहीं हुआ है और इस पर क्या आ चुका था एक अमेंडमेंट आ गया था ठीक है तो आने वाले एग्जाम में हो सके गवर्नमेंट कंपनी को एक अच्छा खासा डिफिनेशन बन सकता है और आपका कंसेप्ट अभी चेक करूंगा मैं थोड़ा तो देर में ठीक है देखता हूँ कितने अच्छे से पकड़ पाते हो अब देखो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है बताओ बहुत लोग बोलते हैं हाँ ये गवर्नमेंट कंपनी है ये गवर्नमेंट कंपनी एग्जाम्पल्स बताओ गवर्नमेंट कंपनी कोई इसका नाम सुने हो ठीक है इसका नाम सुने हो ठीक है ठीक है ये सब क्या है गवर्नमेंट कंपनी है अब मान लो हमने बोल दिया वो गवर्नमेंट कंपनी है मान लो आज बिल्डिंग वो बड़ी कंपनी है वो गवर्नमेंट कंपनी है उसकी पहचान कैसे होगी जैसे ओपीसी कंपनी की पहचान क्या है उसके एक मेंबर होते हैं तो गवर्नमेंट कंपनी की पहचान कैसे ये देखते हैं यहां पे हम ठीक है अब देखो आराम समझना देखो नॉट लेस देन ठीक है या मान लो यहां पर वर्डिंग क्या हुई एटलीस्ट ठीक है, नॉट वर्डिंग को छेड़ना मत ठीक है वर्ड क्या यूज हुई है नहीं नहीं एटलीस्ट एटलीस्ट फिफ्टी वन परसेंट क्या नहीं फिफ्टी वन परसेंट क्या बताओ 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 फिफ्टी वन परसेंट ठीक है अब सुनो अब यहां पे क्या करना ये ऐसे काट देना क्या काट देना बोल दिया मैंने

ठीक है गवर्नमेंट कंपनी या मान मान लो माल लो ये 21, नहीं ट्वेंटी और ये ट्वेंटी परसेंट नहीं हुआ ना अगर मान लो ये अकेला देन गवर्नमेंट एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मतलब फिफ्टी वन परसेंट भी चलेगा ठीक है तो ये कंपनी क्या हो जाएगी गवर्नमेंट कंपनी पहले क्या लिखा था ये मैं इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं वर्डिंग आपको घुमा देगा एग्जाम में ये एमसीक्यू पूछ देगा पहले क्या था यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल होता है लॉ में होता है नशे आते हैं ऐसे ऐसे नींद आती है चलो अभी तो अच्छा है पीडीएफ लेकर री डी लगूंगा ना तो भाई पांच छह सोए भी लगेंगे यहाँ पे अगर एग्जाम्पल नहीं चलेगा तो मैं मेरे पांच सो जाएंगे लॉ में होता है नॉर्मली अगर दस घंटे को सेमिनार अटेंड कर ले लॉ का तो पांच छे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा चलो तो मैंने क्या बोला एटलीस्ट फिफ्टी वन परसेंट अगर फिफ्टी परसेंट है तो नहीं होगा, नहीं होगा। तो फिफ्टी वन परसेंट मैंडेटरी है पहले क्या लिखा था यहाँ पेटर से बैठक अब इसको काट के क्या कर दिया वोटिंग पावर वोटिंग पावर कैसे आता सुनो। ये है, है इसके एक लाख शेयर होल्ड करता है तो ये एक में इसने इतना होल्ड कर लिया जो ये 50 बन, 51 बन गया। तो वोटिंग पावर कुछ नहीं है बस एक वर्ड याद करना की फिफ्टी वन परसेंट क्या हो गया वोटिंग पावर पेडअप शेयर कैपिटल हटा चुका है लोने अमेंड आ चुका है प्रीवियस गवर्नमेंट कंपनी का चेंज किया है तो जहां पर चेंजेस आए ना वहां पे कैप्चर जरूर करना है यहाँ पे थोड़ा

यहाँ पे क्या लिखा था एनी कॉम्बिनेशन ठीक है वही मैं एक बताया ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी हो गई होल्डिंग से और गवर्नमेंट कंपनी कोई सब्सिडरी है ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सब मतलब सब्सिडी मतलब सुनो ये मान लो कंपनी है ठीक है या मान लो कोल इंडिया लिमिटेड ठीक है इस कंपनी ने मान लो किसी कंपनी में ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है मतलब ऑलरेडी फिफ्टी वन परसेंट किसका होल्ड कर रही है सीजी और एसजी होल्ड कर रही है ये क्या बन गई है गवर्नमेंट कंपनी मान लो ट्वेंटी सिक्स परसेंट और ट्वेंटी सिक्स परसेंट होल्ड कर रही है तो ये गवर्नमेंट कंपनी बन चुकी है अब मान लो इस कंपनी ने ये मान लो ए बी सी करके कोई कंपनी है इसमें क्या किया फिफ्टी वन परसेंट होल्ड किया शेयर्स तो ये कंपनी क्या बन गई है तो ये, गौर्मेंगी 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 ये पहले क्या बनी पहले ये ये होल्ड करती क्या बन गई ये सब्सिडरी बन गई और ये क्या बन गई इसकी होल्डिंग तो ये बोला गया कि एक तो डायरेक्टली इसको अगर कोई होल्ड करे ये दोनों मिल गए तो ये तो गवर्नमेंट बनेगी बनेगी और ये किसी की सब्सिडरी बन जाए वर्ट है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर ले लो या फिफ्टी परसेंट से ऊपर तुम किसी की पेड़ों से होल्ड कर लो सब्सिडरी है तो ये कंपनी भी क्या कहलाएगी अब गवर्नमेंट कंपनी तो दो टाइप से गवर्नमेंट कंपनी होती है शेयर होल्डिंग से गवर्नमेंट कंपनी होती है होल्डिंग पावर से और किसी की सब्सिडी भी क्या बनती है गवर्नमेंट कंपनी होती है आप करते कॉन्सेप्ट चेक अब क्वेश्चन आएगा आपको आंसर देना है ठीक है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एस जी सी जी ट्वेंटी पॉइंट फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट बताओ गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं, नहीं है क्यों नहीं है चलो नहीं है क्वेश्चन चेक करते चलते हैं मान लो पी क्यू वर्ल्ड लिमिटेड है ठीक है ठीक है बताओ बस फंसते हैं लोग फंसते हैं लोग हाँ ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है मैं भी यही फंसता था मेरे सारे फ्रेंड्स यही फंसते थे हम भी यही फंसे हैं फिर यहाँ पे मेरे को लगा था यहीं फंसेंगे हम अब देखो मैंने क्या बोला डिफिनी मैंने क्या बोला फिर सुनो गवर्नमेंट कंपनी कब होती है जब सी होल्ड करे और एसडी होल्ड करे मतलब नरेंद्र मोदी केजरीवाल मैंने कोई बोला कि गवर्नमेंट कंपनी होल्ड करे मैंने देखो यहां पे पर क्या बोल दिया सीजी सीजी सी जी में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बट यहां पे क्या हुआ है यहां पर यह ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट कंपनी होल्ड कर रही है गवर्नमेंट कंपनी नहीं बोला है मैंने मैंने डिफिनेशन में क्या बोला सी जी एस अगर यहां पे भेल के जगह मैं लिख देता अरविंद केजरीवाल का एस जी तो ये गवर्नमेंट कंपनी होती है तो एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन फंसते हैं ठीक है तो कंसेप्ट चेक हमारा यहीं पे होगा तो ऐसा मत आना और फ्लो फ्लो में होता है होता है मतलब फ्लो में क्या होता है ना थर्टी फिफ्टी फाइव परसेंट दैट्स गवर्नमेंट कंपनी और लिख के आएंगे और क्वेश्चन हमने पूरा लॉ बनाया है बोला एग्जाम में हम लिखे आएंगे कॉन्फिडेंस ये रहेगा ना हम वाला लॉ पेपर करके आया है और एग्जाम में हम आंसर देखते हैं तो आता है थर्टी नंबर ठीक है तो ये गलतियां करते हैं छोटी छोटी गलतियां करते हैं देखो हड़बड़ाना नहीं है लॉ में जो लिखा है ना वही पूछता है तो लॉ को प्रॉपर पकड़ो मतलब लॉ को प्रॉपर कैसे पकड़ा है? कि जब 51 परसेंट होल्ड कर रहा है सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मैंने कहीं बोला कोई गवर्नमेंट कंपनी होल्ड करे किसी को नहीं तो यहां पे गवर्नमेंट कंपनी होल्ड कर रही है ना इसे एग्जाम्पल लेते इसको और क्लियर बहुत इंपॉर्टेंट है बोल रहा लो वो गवर्नमेंट कंपनी है मैंने क्या बोला सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर देखो सुनो ये मान लो कोई कंपनी है ठीक है मान लो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इसके फिफ्टी वन परसेंट मैंने बोला एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट होल्ड करना चाहिए सी जी ने होल्ड किया ट्वेंटी सेवन परसेंट एस जी ने होल्ड किया ट्वेंटी एट परसेंट परफेक्ट है फिफ्टी फाइव परसेंट बट मैंने ऐसा कहीं बोला ये कंपनी देखो ये कंपनी अभी कंपनी है ये क्राइटेरिया होने बाद ये कम क्या बन जाती है चेक करने बाद गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है बट मैंने कहीं ऐसा बोला कि ये कंपनी का ट्वेंटी सिक्स परसेंट मान लो कोई गवर्नमेंट कंपनी है ऑलरेडी जो गवर्नमेंट कंपनी बन चुकी है यहाँ पे वो होल्ड कर रही है ऐसा डिफिनेशन कहीं लिखा ही नहीं है डिफिनेश क्या लिखा है यहाँ पे सी सी और एस जी होल्ड करे तो यहाँ पे फंसना मत यहाँ पे क्लियर रहना क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है और क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे ठीक है आज नहीं तो कल आपको इस अटैप में यह क्वेश्चन दिखेगा और ये क्वेश्चन बोलते ना फाइनल वाले भी फंस जाते हैं मैं फाइनल पूछता हूँ फाइनल वाले बोलते हैं यस गवर्मेंट कंपनी फिफ्टी फाइव परसेंट हो तो गया वो तो गवर्नमेंट कंपनी थी ना ऐसा नहीं होता ठीक है तो सी जी एस जी और एनी कॉम्बिनेशन या मान लो किसी होल्डिंग सब्सिडी हो गई गवर्नमेंट कंपनी की तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी ठीक है ज्यादा बड़ा क्लास नहीं करते हैं नहीं करते हैं नोट्स प्रॉपर मिल जाएंगे आपको बनाए हुए